हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है स्ट्रीट डांसर 3D। तो स्ट्रीट डांसर 3D फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो कौन से OTT प्लेटफॉर्म, कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा, उसके ऊपर हम डिटेलिंग में बातचीत करने वाले हैं। इसके अलावा फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फिल्मिंग के ऊपर भी डिटेलिंग मिलने वाली है। फिल्म का एक डीप रिव्यू किया जाएगा जहाँ पे फिल्म के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताएंगे हम। साथ में डीप रिव्यू में हम आपको स्टोरी की एक एक्सप्लेनेशन देने वाले, साथ ही में उसकी एनालिसिस की जाएगी। इसके अलावा इस फिल्म की जो स्टार कास्ट है, सपोर्टिंग कास्ट है, उनकी परफॉर्मेंसेस के बारे में बातचीत की जाएगी। साथ ही में इस फिल्म के जो टेक्निकल और म्यूजिक डिपार्टमेंट है उसका भी एक रिव्यू होने वाला है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रीट डांसर 3D जो 2020 की हिंदी लैंग्वेज डांस फिल्म है, जहाँ पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है रेमो डिसोजा ने। फिल्म के जो डायलॉग्स है वो फरहाद सामजी और जगदीप सिद्धू ने लिखे हुए हैं। स्टोरी आइडिया रेमो डिसोजा का ही था। उसके ऊपर जो स्क्रीन प्ले है वो तुषार हिरनंदानी और जगदीप सिद्धू ने लिखे हुए थे। इसके अलावा प्रोड्यूसर की बात करें तो भूषण कुमार, दिव्या खोसला कुमार, कृष्ण कुमार, लेजल डिसोजा ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। इस फिल्म को करीबन 70 करोड़ के बजट के साथ टी सीरीज रेमो डिसोजा एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था। इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है ए फिल्म के पास, यानी कि अनिल थड़ानी के पास। टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी विजय कुमार अरोरा ने की हुई है, एडिटिंग मनन अजय सागर ने की हुई है, जिन्होंने इस फिल्म को 146 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, जहां पे ये फिल्म आपको 2 घंटे के 26 मिनट के आसपास के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी, जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से US सर्टिफिकेट मिला हुआ है। और इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सॉन्ग्स को कंपोज किया हुआ है सचिन जिगर, तनिष बागची, बादशाह, गुरु रंधावा, गुरिंदर सेगल और हर्ष उपाध्याय ने, जिन्होंने अलग अलग गानों को कंपोज किया हुआ है। इस फिल्म में आपको टोटल 12 गाने सुनने को मिलेंगे, जहाँ पे कुछ वर्जन से रिक्रिएट किए हुए, वहीं पे कुछ ओरिजिनल वर्जन से। इसके अलावा इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर के ऊपर बातचीत करें तो वो कंपोज किया हुआ है सचिन जिगर ने। वहीं पे इस फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज ने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स भी खरीदे हुए, जिन्होंने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स अपने पास ही रखे हुए। इसके अलावा इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, प्रभु देवा, राघव जुयाल, नोरा फतेह, पुनीत पाठक, सलमान यूसुफ खान, अपार शक्ति खुराना देखने को मिलेंगे, धर्मेश यलांडे, सुशांत पुजारी, सोनम बजवा, मुरली शर्मा, उपासना सिंह, जरीना वहाब, उमेर अशांति खलील, मनोज पाहवा, पवन राव, वर्तिका जा, सुशांत खत्री, केशव केवी टूटर, प्रवीण भोसले, श्रेया रॉय, शशांक डोंगरा, द्विवेदिता शर्मा, भूषण, प्रशांत शिंदे, भूपेंद्र सिंह, प्रवीण शिंदे, शीतल पेरी, विनय खंडेलवाल, चांदनी श्रीवास्तव, फ्रेंसिक रफली, कैरोलिना वाइल्ड, एड्रिनोगाल, जय हेकिंग, जेसु सोरिया, एंटोनलियन, राज गोहिल आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो ये सभी लोग फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट में है। तो इतने आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में काम किया हुआ है। जहाँ पे एक डांस फिल्म है, इस वजह से फिल्म की सपोर्टिंग और मेन लीड कास्ट भी काफ़ी लंबी है और सभी का रोल ज़रूर एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के थ्रू क्रिएट किया हुआ है। प्रोडक्शन के बारे में बातचीत करें तो फिल्म का जो पहला शेड्यूल है वो पंजाब में रखा गया था, जहाँ पे बजवा यानी कि सोनम बजवा, अपार शक्ति खुराना और वरुण धवन इन लोगों के बीच में वहीं का शेड्यूल शूट किया हुआ था। इसके अलावा फिल्म का सेकंड शेड्यूल को लंदन में सेट किया हुआ था, जहाँ पे श्रद्धा कपूर और पूरी टीम, नोहरा फतेह, सभी लोग वहाँ पे उस शेड्यूल में शामिल थे। एक्चुअली में इस फिल्म में जो श्रद्धा कपूर वाला किरदार है वो कैटरीना कैफ को ऑफर किया गया था। हालांकि श्रद्धा कपूर को जब उस किरदार में लिया गया तब स्टोरी में काफ़ी सारे चेंजेस किए गए थे उस किरदार के रिगार्डिंग, क्योंकि कैटरीना कैफ का जो ऑरा है, जो पर्सनालिटी है, और श्रद्धा कपूर का जो ऑरा और पर्सनालिटी है वो दोनों डिफरेंट है, तो उस हिसाब से सभी चेंजेस किए हुए थे। पहले कैटरीना कैफ को लेकर सभी चीज़ें फाइनलाइज हो चुकी थी, कैटरीना कैफ ही ओरिजिनल चॉइस थी इस फिल्म के लीड एक्ट्रेस के तौर पर, लेकिन कुछ रीजन्स के चलते उन्होंने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। उसके बाद में श्रद्धा कपूर को ये रोल ऑफर किया गया, जहाँ
यहाँ पे उनके ये रोल के रिगार्डिंग काफ़ी सारे चेंजेस करते हुए फिल्म में डाला हुआ है इस किरदार को। अब हम बात करें फिल्म के फाइनल शेड्यूल की, तो फिल्म का फाइनल शेड्यूल मई 2019 में शूट किया गया था, जहाँ पे उस शेड्यूल के दौरान श्रद्धा कपूर के मसल इंजरी आई हुई थी, उस वजह से फिल्म की शूटिंग को थोड़े लेट रिज्यूम किया गया था और फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट किया हुआ है 26 जुलाई 2019 तक। मार्केटिंग रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म का जो फर्स्ट लुक पोस्टर है वो वरुण धवन वाला के पोस्टर है, वो 27 मई को अनवील किया गया था, जहाँ पे फिल्म को फाइनली रिलीज किया गया था 24 जनवरी 2020 को। फिल्म के साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो अलग अलग म्यूजिक कंपोजर के थ्रू गानों को कंपोज करवाया हुआ है। इन गानों को 2018-19 में रिकॉर्ड किया गया था, जिसके ऑडियो राइट्स है वो टी सीरीज के पास है। इसके अलावा 13 फरवरी 2020 को ये सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है। जहाँ पे गानों की ट्रैक लिस्टिंग के बारे में बातचीत करें तो पहला गाना है मुकाबला, जिसके लिरिक्स लिखे हुए शब्बीर अहमद और तनिष बागची ने, म्यूजिक दिया हुआ है तनिष बागची ने, सिंगर थी यास नार्वेकर और परंपरा ठाकुर। दूसरा गाना गर्मी, जिसके लिरिक्स बादशाह ने लिखे हुए थे, म्यूजिक डायरेक्टर भी बादशाह ही थे, सिंगर बादशाह और नेहा कक्कर थी। इन लीगल वेपन वाला जो ट्विन लीगल वेपन 2.0 गाना है, उसके लिरिक्स लिखे हुए प्रिया सरैया ने, म्यूजिक दिया हुआ था तनिष बागची ने, सिंगर थे जासमीन सेंडली और गेरी संधू। चौथा गाना दुआ करो, जिसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए, म्यूजिक सचिन जिगर ने दिया हुआ था, अरिजीत सिंह बोहेमिया और सचिन जिगर ने उसको गाया हुआ है। पांचवा गाना लग दी लाहौर दी, जिसके लिरिक्स गुरु रंधावा ने लिखे हुए थे, म्यूजिक सचिन जिगर और गुरु रंधावा ने दिया हुआ था, गुरु रंधावा और तुलसी क्रोमा ने इस रिक्रिएट वाले वर्जन को गाया हुआ था। हिंदुस्तानी वाला जो गाना है, उसके लिरिक्स लिखे हुए समीर अनजान ने, म्यूजिक दिया हुआ हर्ष उपाध्याय ने, सिंगर थे शंकर महादेवन और उदित नारायण। वहीं पे सातवां गाना बेजुबान कब से, उसके लिरिक्स लिखे हुए जिगर सरैया ने, म्यूजिक दिया हुआ सचिन जिगर ने, सिंगर थे सिद्धार्थ बसरूर, जुबिन नोटियाल और सचिन जिगर। आठवां गाना पिंड, जिसके लिरिक्स लिखे हुए कुणाल वर्मा ने, म्यूजिक दिया हुआ गुरिंदर सेगल ने, वहीं पे गाया हुआ गुरिंदर सेगल ने ही। नौवां गाना नाची नाची, जिसके लिरिक्स मिलिन गाबा ने और असली गोल्ड ने लिखे हुए, म्यूजिक दिया हुआ सचिन जिगर ने, गाया हुआ है नीति मोहन ध्वनि और भानुशाली मिलिन गाबा। दसवां गाना गन देवा, जिसके से लिरिक्स लिखे हुए भार्गव पुरोहित ने, म्यूजिक दिया हुआ सचिन जिगर ने, गाया हुआ दिव्य कुमार और सचिन जिगर ने। ग्यारहवा गाना सिप सिप 2.0, जिसके लिरिक्स लिखे हुए गेरी संधू ने और कुमार ने, म्यूजिक दिया हुआ तनिष बागची ने, गाया हुआ है गेरी संधू और जसमीन सेंडलास ने। और आखिरी गाना यानी कि मिले सुर, जिसके लिरिक्स लिखे हुए जिगर सरैया, वायु और आईपी सिंह ने, म्यूजिक दिया हुआ है सचिन जिगर ने और गाया हुआ है नवराज हंस, साल मलिक खोलगाड़े, दिव्या कुमार, वायु, शाश्वत सिंह और आईपी सिंह, साथ ही में राकेश मेनी ने। तो ये टोटल 12 गाने जिसको अलग अलग म्यूजिक कंपोजर के थ्रू कंपोज करवाया हुआ है। और ये गाने हिंदी वर्जन में आपको टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे, जिसमें से काफी सारे गाने बड़े ब्लॉकबस्टर साबित हुए, जिसे आप जरूर इंजॉय कर पाओगे। अब मैं आपको इस फिल्म के आर्टिस्ट है उसमें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर डिटेलिंग दे देता हूँ। सहेज सिंह नरूला वाला जो रोल है वो वरुण धवन ने प्ले किया हुआ है, जो एक एस्पायरिंग डांसर है जो अपने ब्रदर के फुटस्टेप को फॉलो करता आ रहा हुआ है। श्रद्धा कपूर ने इनायत नाजी का रोल प्ले किया हुआ है, जो पाकिस्तान डांसर है जो अपनी फैमिली से जो डांस कर रही है वो छुपाती आ रही है। प्रभु देवा राम प्रसाद a.k.a. अन्ना के रोल में दिखाई देंगे, जो एक रेस्टोरेंट मैनेजर है जो एक सीक्रेट स्किल डांसर है। राघव जुयाल पौड़ी के रोल में दिखाई देंगे, नोरा फतेही ने नोरा सहेज की गर्लफ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है। पुनीत पाठक ने इंदर सिंह नरूला का रोल प्ले किया हुआ है। सलमान यूसुफ खान से नाजी के रोल में दिखाई देंगे। अपार शक्ति खुराना ने अमरिंदर सिंह का रोल प्ले किया हुआ है। धर्मेश येलांडे आपको डी के रोल में दिखाई देंगे, जो सहेज के क्लोज फ्रेंड है। वहीं पे सुशांत पुजारी ने सुशी का रोल प्ले किया हुआ है। सोनम बजवा ने पम्मी का रोल प्ले किया हुआ है। वर्तिका झा ने समयरा का रोल प्ले किया हुआ है। मुरली शर्मा ने यूके कोप माइकल डोनाल्ड का रोल प्ले किया हुआ है। उपासना सिंह जसलिन को चड्डा
शाह के रोल में दिखाई देंगी जरीना वहाब ने रणजोत सिंह का रोल प्ले किया है उमेरा अशांति खलील ने इस फिल्म में फरीज इनायत का रोल प्ले किया हुआ है मनोज पहवा छबरा के रोल में दिखाई देंगे वर्तिका झा ने समयरा का रोल प्ले किया है पवन राव ने इस फिल्म में फात का रोल प्ले किया है सुशांत खत्री ने छोटू का रोल प्ले किया हुआ है इस तरह से काफी बड़ी कास्ट है जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट किरदार को प्ले किए हुए अपने रोल में वो बखूबी काफी शानदार थे सभी एक्टर ने जो डांस किया हुआ है वो काफी बढ़िया है उनकी परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है जो फिल्म को और बढ़िया बनाती है इस फिल्म के डायरेक्टर रेमो डिसूजा ने फिल्म के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है जहाँ पे कुछ चीजों को काफी बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है साथ ही में फिल्म एक मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की हुई है वो भी बढ़िया है हालांकि स्क्रीन प्ले थोड़ा फिल्म का वीक है उसे थोड़ा बेटर वे में लिखा जा सकता था फिल्म के डायलॉग और बेटर वे में लिखे जा सकते थे स्टोरी आइडिया फिल्म का काफी बढ़िया था प्रोडक्शन डिजाइन काफी अच्छी थी फिल्म का काफी हाई बजट के साथ बनाया गया था जिसके चलते इस फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू आपको आसानी से नजर आएगी जिसका चलते फिल्म का जो अलग अलग लोकेशन दिखाया हुआ है उसको अच्छी तरह से कैमरा मैन ने शोकेस किया हुआ है फिल्म का आर्ट डायरेक्शन कलर टोन कलर ग्रेडिंग भी बढ़िया है फिल्म की एडिटिंग अच्छी तरह से की गई हालांकि फिल्म को 5-10 मिनट जितना और छोटा कर देते तो और बेहतर रहता जो अननेसेसरी सीन्स थे वो निकल जाते इसके अलावा जो मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की उसे थोड़ा बेटर वे में एग्जीक्यूट करते तो और अच्छा रहता सिनेमेटोग्राफी फिल्म की काफी बढ़िया थी उसी के साथ जो डांस कोरियोग्राफी थी वो काफी शानदार थी फिल्म के हर एक डांस स्टेप देखने को मिलते वो काफी इंप्रेसिव थे फिल्म के डांस कोरियोग्राफी इतनी बढ़िया थी जिस वजह से वो सभी चीजें स्क्रीन में देखने में मजा आएगी म्यूजिक डिपार्टमेंट में काफी शानदार काम देखने को मिलता है जहाँ पे सॉन्ग बैकग्राउंड स्कोर को काफी बढ़िया तरीके से कंपोज किया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर ने काफी बढ़िया तरीके से अच्छी रिलीज दिलवाई हुई थी फिल्म की जिसकी वजह से जब फिल्म को 24 जनवरी 2020 को रिलीज किया गया था तब फिल्म ने पहले दिन पे काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया जहाँ पे 9.5 करोड़ के आसपास का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया हुआ था हिंदी लैंग्वेज से इस फिल्म ने वहीं पे सेकंड डे के ऊपर 12.5 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था तीसरे दिन फिल्म ने 17 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था और वीकेंड का कलेक्शन करीबन 39 करोड़ के आसपास का पहुँच गया था एक मिक्स वर्ड ऑफ माउथ के चलते फिल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को मिक्स रिस्पॉन्स मिला था वहीं पे क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को थोड़ा नेगेटिव साइड का रिस्पॉन्स मिला हुआ था लेकिन फिर भी फिल्म ने 40 करोड़ के आसपास का ओपनिंग वीकेंड लिया हुआ था इंडिया से और 28 फरवरी 2020 तक फिल्म ने 81 करोड़ 29 लाख का इंडिया से कलेक्शन करके दिखाया 15 करोड़ 71 लाख का ओवरसीज से ग्रॉस कलेक्शन किया और इसी के साथ वर्ल्ड वाइड जो ग्रॉस कलेक्शन था वो फिल्म का 97 करोड़ बना जहां पे फिल्म का बजट करीबन जो था वो 70 करोड़ था 70 करोड़ के बजट के सामने करीबन 100 करोड़ के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन करते हुए ये फिल्म एक एवरेज हिट का टैग ले गई थी बॉक्स ऑफिस पे जहाँ पे IMDb पे फिल्म को करीबन 7700 वोट मिले हुए जिसमें 3.6 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से तो इसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मिक्स रिस्पांस मिलने के बावजूद मिक्स टू नेगेटिव रिस्पांस मिलने के बावजूद वरुण धवन और साथ ही में श्रद्धा कपूर का जो फैन बेस है वो काफी हाई लेवल पे क्रिएट हुआ है जिसके चलते फिल्म ने 70 करोड़ के बजट के सामने 100 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था अब ये फिल्म कौन से OTT सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी उसके ऊपर डिटेलिंग दे देता हूँ इस फिल्म के जो OTT राइट से वो खरीदे हुए Amazon Prime Video ने काफी बड़ी रकम देके खरीदे हुए थे वहीं पे फिल्म के जो सैटेलाइट राइट्स है वो खरीदे हुए सोनी नेटवर्क वालों ने और इस फिल्म के म्यूजिक राइट्स है वो खरीदे हुए टी सीरीज वालों ने तो ये फिल्म आपको OTT पे Amazon Prime Video के ऊपर स्ट्रीट डांसर 3D के नाम से विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी वहीं पे फिल्म का जो टेलीविजन वाला वर्जन है वो आपको टेलीविजन चैनल सोनी मैक्स और सोनी मैक्स HD के ऊपर स्ट्रीट डांसर 3D के नाम से बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा फिल्म के गानों को बिल्कुल फ्री में आप टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इंजॉय कर पाओगे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि स्ट्रीट डांसर 3D फिल्म आपको OTT पे Amazon Prime Video के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म का सैटेलाइट प्रीमियर आपको सोनी मैक्स और सोनी मैक्स HD चैनल के ऊपर ही देखने को मिलेगा तो इस तरह से आप टेलीविजन पे और OTT पे इस फिल्म को ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे स्ट्रीट डांसर 3D जो 2020 की हिंदी लैंग्वेज डांस फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है रेमो डिसूजा ने फिल्म के जो डायलॉग्स है वो फरहाद सामजी और जगदीप सिद्धू ने लिखे हुए हैं स्टोरी आइडिया रेमो डिसूजा का ही था उसके ऊपर जो स्क्रीन प्ले है वो तुषार हिरनंदानी
और जगदीप सिद्धू ने लिखे हुए थे। इसके अलावा प्रोड्यूसर की बात करें तो भूषण कुमार, दिव्या खोसला कुमार, कृष्णा कुमार, लेजल डिसूजा ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। इस फिल्म को करीबन 70 करोड़ के बजट के साथ टी सीरीज रेमो डिसूजा एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था। इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है ए फिल्म के पास, यानी कि अनिल थड़ानी के पास। टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी विजय कुमार अरोरा ने की हुई है, एडिटिंग मनन अजय सागर ने की हुई है, जिन्होंने इस फिल्म को 146 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, जहां पे ये फिल्म आपको 2 घंटे के 26 मिनट के आसपास के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी, जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है। और इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सॉन्ग्स को कंपोज किया हुआ है सचिन जिगर, तनिष बागची, बादशाह, गुरु रंधावा, गुरिंदर सेगल और हर्ष उपाध्याय ने, जिन्होंने अलग अलग गानों को कंपोज किया हुआ है। इस फिल्म में आपको टोटल 12 गाने सुनने को मिलेंगे, जहाँ पे कुछ वर्जन से रिक्रिएट किए हुए, वहीं पे कुछ ओरिजिनल वर्जन से। इसके अलावा इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर के ऊपर बातचीत करें तो वो कंपोज किया हुआ है सचिन जिगर ने। वहीं पे इस फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज ने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स भी खरीदे हुए, जिन्होंने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स अपने पास ही रखे हुए। इसके अलावा इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, प्रभु देवा, राघव जुयाल, नोरा फतेह, पुनीत पाठक, सलमान यूसुफ खान, अपार शक्ति खुराना देखने को मिलेंगे, धर्मेश यलांडे, सुशांत पुजारी, सोनम बजवा, मुरली शर्मा, उपासना सिंह, जरीना वहाब, उमेर असंति खलील, मनोज पाहवा, पवन राव, वर्तिका जा, सुशांत खत्री, केशव केवी टूटर, प्रवीण भोसले, श्रेया रॉय, शशांक डोंगरा, द्विवेदिता शर्मा, भूषण, प्रशांत शिंदे, भूपेंद्र सिंह, प्रवीण शिंदे, शीतल पेरी, विनय खंडेलवाल, चांदनी श्रीवास्तव, फ्रेंसिक रफली, कैरोलिना वाइल्ड, एड्रिनो गर्ल, जय हेकिंग, जेसु सोरिया, एंटोनलियन, राज कोहिल आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो ये सभी लोग फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट में है। तो इतने आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में काम किया हुआ है, जहाँ पे एक डांस फिल्म है, इस वजह से फिल्म की सपोर्टिंग और मेन लीड कास्ट भी काफ़ी लंबी है और सभी का रोल जरूर एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के थ्रू क्रिएट किया हुआ है। प्रोडक्शन के बारे में बातचीत करें तो फिल्म का जो पहला शेड्यूल है वो पंजाब में रखा गया था, जहाँ पे बजवा यानी कि सोनम बजवा, अपार शक्ति खुराना और वरुण धवन इन लोगों के बीच में वहीं का शेड्यूल शूट किया हुआ था। इसके अलावा फिल्म का सेकंड शेड्यूल को लंदन में सेट किया हुआ था, जहाँ पे श्रद्धा कपूर और पूरी टीम, नोहरा फतेह, सभी लोग वहाँ पे उस शेड्यूल में शामिल थे। एक्चुअली में इस फिल्म में जो श्रद्धा कपूर वाला किरदार है वो कैटरीना कैफ को ऑफर किया गया था। हालांकि श्रद्धा कपूर को जब उस किरदार में लिया गया तब स्टोरी में काफ़ी सारे चेंजेस किए गए थे उस किरदार के रिगार्डिंग, क्योंकि कैटरीना कैफ का जो ऑरा है, जो पर्सनालिटी है, और श्रद्धा कपूर का जो ऑरा और पर्सनालिटी है वो दोनों डिफरेंट है, तो उस हिसाब से सभी चेंजेस किए हुए थे। पहले कैटरीना कैफ को लेकर सभी चीज़ें फाइनलाइज हो चुकी थी, कैटरीना कैफ ही ओरिजिनल चॉइस थी इस फिल्म के लीड एक्ट्रेस के तौर पर, लेकिन कुछ रीजंस के चलते उन्होंने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। उसके बाद में श्रद्धा कपूर को ये रोल ऑफर किया गया, जहाँ पे उनके ये रोल के रिगार्डिंग काफ़ी सारे चेंजेस करते हुए फिल्म में डाला हुआ इस किरदार को। अब हम बात करें फिल्म के फाइनल शेड्यूल की, तो फिल्म का फाइनल शेड्यूल मई 2019 में शूट किया गया था, जहाँ पे उस शेड्यूल के दौरान श्रद्धा कपूर की मसल इंजरी आई हुई थी, उस वजह से फिल्म की शूटिंग को थोड़े लेट रिज्यूम किया गया था और फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट किया हुआ है 26 जुलाई 2019 तक। मार्केटिंग रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म का जो फर्स्ट लुक पोस्टर है वो वरुण धवन वाला के पोस्टर है, वो 27 मई को अनवील किया गया था, जहाँ पे फिल्म को फाइनली रिलीज किया गया था 24 जनवरी 2020 को। फिल्म के साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो अलग अलग म्यूजिक कंपोजर के थ्रू गानों को कंपोज करवाया हुआ है। इन गानों को 2018-19 में रिकॉर्ड किया गया था, जिसके ऑडियो राइट्स है वो टी सीरीज के पास है। इसके अलावा 13 फरवरी 2020 को ये सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है। जहाँ पे गानों की ट्रैक लिस्टिंग के बारे में बातचीत करें तो पहला गाना है मुकाबला, जिसके लिरिक्स लिखे हुए शब्बीर अहमद और तनिष बागची ने, म्यूजिक दिया हुआ है तनिष बागची ने, सिंगर थी यास नार्वेकर और परंपरा ठाकुर। दूसरा गाना गर्मी, जिसके लिरिक्स बादशाह ने लिखे हुए थे, म्यूजिक डायरेक्टर भी बादशाह ही थे, सिंगर बादशाह और नेहा कक्कर थी। इन लीगल वेपन वाला जो ट्विन लीगल वेपन 2.0 गाना है, उसके लिरिक्स लिखे हुए प्रिया सरैया ने, म्यूजिक दिया हुआ था तनिष बागची ने, सिंगर थे जासमीन सेंडली और गेरी संधू।
चौथा गाना दुआ करो, जिसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए म्यूजिक सचिन जिगर ने दिया हुआ था। अरिजीत सिंह बोहेमिया और सचिन जिगर ने उसको गाया हुआ है। पांचवा गाना लंग लंग दी लाहौर लग दी लाहौर दी, जिसके लिरिक्स गुरु रंधावा ने लिखे हुए थे, म्यूजिक सचिन जिगर और गुरु रंधावा ने दिया हुआ था। गुरु रंधावा और तुलसी क्रोमा ने इस रिक्रिएट वाले वर्जन को गाया हुआ था। हिंदुस्तानी वाला जो गाना है उसके लिरिक्स लिखे हुए समीर अनजान ने, म्यूजिक दिया हुआ हर्ष उपाध्याय ने, सिंगर थे शंकर महादेवन और उदित नारायण। वहीं पे सातवां गाना बेजुबान कब से, उसके लिरिक्स लिखे हुए जिगर सरैया ने, म्यूजिक दिया हुआ सचिन जिगर ने, सिंगर थे सिद्धार्थ बसरूर, जुबिन नोटियाल और सचिन जिगर। आठवां गाना पिंड, जिसके लिरिक्स लिखे हुए कुणाल वर्मा ने, म्यूजिक दिया हुआ गुरिंदर सेगल ने, वहीं पे गाया हुआ गुरिंदर सेगल ने ही। नौवां गाना नाची नाची, जिसके लिरिक्स मिलिन गाबा ने और असली गोल्ड ने लिखे हुए, म्यूजिक दिया हुआ सचिन जिगर ने, गाया हुआ है नीति मोहन ध्वनि और भानु ध्वनि भानुशाली मिलिन गाबा। दसवां गाना गन देवा, जिसके से लिरिक्स लिखे हुए भार्गव पुरोहित ने, म्यूजिक दिया हुआ सचिन जिगर ने, गाया हुआ दिव्य कुमार और सचिन जिगर ने। ग्यारहवा गाना सिप सिप 2.0, जिसके लिरिक्स लिखे हुए गेरी संधू ने और कुमार ने, म्यूजिक दिया हुआ तनिष बागची ने, गाया हुआ है गेरी संधू और जस्मीन सेंडलास ने। और आखिरी गाना यानी कि मिले सुर, जिसके लिरिक्स लिखे हुए जिगर सरैया, वायु और आईपी सिंह ने, म्यूजिक दिया हुआ है सचिन जिगर ने और गाया हुआ है नवराज हंस, साल मलिक खोलगाड़े, दिव्या कुमार, वायु, शाश्वत सिंह और आईपी सिंह, साथ ही में राकेश मेनी ने। तो ये टोटल 12 गाने जिसको अलग अलग म्यूजिक कंपोजर के थ्रू कंपोज करवाया हुआ है। और ये गाने हिंदी वर्जन में आपको टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे, जिसमें से काफी सारे गाने बड़े ब्लॉकबस्टर साबित हुए, जिसे आप जरूर इंजॉय कर पाओगे। अब मैं आपको इस फिल्म के आर्टिस्ट है उसमें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर डिटेलिंग दे देता हूँ। सहेज सिंह नरूला वाला जो रोल है वो वरुण धवन ने प्ले किया हुआ है, जो एक एस्पायरिंग डांसर है जो अपने ब्रदर के फुटस्टेप को फॉलो करता आ रहा हुआ है। श्रद्धा कपूर ने इनायत नाजी का रोल प्ले किया हुआ है, जो पाकिस्तान डांसर है जो अपनी फैमिली से जो डांस कर रही है वो छुपाती आ रही है। प्रभु देवा राम प्रसाद a.k.a. अन्ना के रोल में दिखाई देंगे, जो एक रेस्टोरेंट मैनेजर है जो एक सीक्रेट स्किल डांसर है। राघव जुयाल पोडी के रोल में दिखाई देंगे, नोरा फतेही ने नोरा सहेज की गर्लफ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है। पुनीत पाठक ने इंदर सिंह नरुला का रोल प्ले किया हुआ है। सलमान यूसुफ खान से नाजी के रोल में दिखाई देंगे। अपार शक्ति खुराना ने अमरिंदर सिंह का रोल प्ले किया हुआ है। धर्मेश येलांडे आपको डी के रोल में दिखाई देंगे, जो सहेज के क्लोज फ्रेंड है। वहीं पे सुशांत पुजारी ने सुशी का रोल प्ले किया हुआ है। सोनम बाजवा ने पम्मी का रोल प्ले किया हुआ है। वर्तिका झा ने समायरा का रोल प्ले किया हुआ है। मुरली शर्मा ने यूके कोप माइकल डोनाल्ड का रोल प्ले किया हुआ है। उपासना सिंह जसलिन को चड्डा के रोल में दिखाई देंगे। जरीना वहाब ने रंजोत सिंह का रोल प्ले किया हुआ है। उमेरा अशांति खलील ने इस फिल्म में फरीज इनायत का रोल प्ले किया हुआ है। मनोज पहवा छबरा के रोल में दिखाई देंगे। वर्तिका झा ने समायरा का रोल प्ले किया हुआ है। पवन राव ने इस फिल्म में फात का रोल प्ले किया हुआ है। सुशांत खत्री ने छोटू का रोल प्ले किया हुआ है। इस तरह से काफी बड़ी कास्ट है जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट किरदार को प्ले किए हुए। अपने रोल में वो बखूबी काफी शानदार से सभी एक्टर ने जो डांस किया हुआ है वो काफी बढ़िया है। उनकी परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है जो फिल्म को और बढ़िया बनाती है। इस फिल्म के डायरेक्टर रेमो डिसूजा ने फिल्म के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है, जहाँ पे कुछ चीजों को काफी बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है। साथ में फिल्म एक मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की हुई है वो भी बढ़िया है। हालांकि स्क्रीन प्ले थोड़ा फिल्म का वीक है, उसे थोड़ा बेटर वे में लिखा जा सकता था। फिल्म के डायलॉग और बेटर वे में लिखे जा सकते थे। स्टोरी आइडिया फिल्म का काफी बढ़िया था। प्रोडक्शन डिजाइन काफी अच्छी थी। फिल्म का काफी हाई बजट के साथ बनाया गया था, जिसके चलते इस फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू आपको आसानी से नजर आएगी। जिसका चलते फिल्म का जो अलग अलग लोकेशन दिखाया हुआ है उसको अच्छी तरह से कैमरा मैन ने शोकेस किया हुआ है। फिल्म का आर्ट डायरेक्शन कलर टोन कलर ग्रेडिंग भी बढ़िया है। फिल्म की एडिटिंग अच्छी तरह से की गई। हालांकि फिल्म को 5-10 मिनट जितना और छोटा कर देते तो और बेहतर रहता, जो अननेसेसरी सीन्स थे वो निकल जाते। इसके अलावा जो मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की उसे थोड़ा बेटर वे में एग्जीक्यूट करते तो और अच्छा रहता। सिनेमेटोग्राफी फिल्म की काफी बढ़िया थी, उसी के साथ जो डांस कोरियोग्राफी थी वो काफी शानदार थी। फिल्म के हर एक डांस स्टेप देखने को मिलते वो काफी इंप्रेसिव थे। फिल्म के डांस कोरियोग्राफी इतनी बढ़िया थी जिस वजह से वो सभी चीजें स्क्रीन में देखने में मजा आएगी। म्यूजिक डिपार्टमेंट में काफी शानदार काम देखने को मिलता है, जहाँ पे सॉन्ग बैकग्राउंड स्कोर को काफी बढ़िया तरीके से कंपोज किया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटर ने काफी बढ़िया तरीके से अच्छी रिलीज दिलवाई हुई थी फिल्म की, जिसकी वजह से जब फिल्म को 24 जनवरी 2020 को रिलीज किया गया था
तब फिल्म ने पहले दिन पे काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया, जहाँ पे 9.5 करोड़ के आसपास का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया हुआ था हिंदी लैंग्वेज से इस फिल्म ने। वहीं पे सेकंड डे के ऊपर 12.5 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था। तीसरे दिन फिल्म ने 17 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था और वीकेंड का कलेक्शन करीबन 39 करोड़ के आसपास का पहुँच गया था। एक मिक्स वर्ड ऑफ माउथ के चलते फिल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था, जहाँ पे ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को मिक्स रिस्पॉन्स मिला था। वहीं पर क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को थोड़ा नेगेटिव साइड का रिस्पॉन्स मिला हुआ था, लेकिन फिर भी फिल्म ने 40 करोड़ के आसपास का ओपनिंग वीकेंड लिया हुआ था इंडिया से। और 28 फरवरी 2020 तक फिल्म ने 81 करोड़ 29 लाख का इंडिया से कलेक्शन करके दिखाया, 15 करोड़ 71 लाख का ओवरसीज से ग्रॉस कलेक्शन किया। और इसी के साथ वर्ल्ड वाइड जो ग्रॉस कलेक्शन था वो फिल्म का 97 करोड़ बना, जहां पे फिल्म का बजट करीबन जो था वो 70 करोड़ था। 70 करोड़ के बजट के सामने करीबन 100 करोड़ के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन करते हुए ये फिल्म एक एवरेज हिट का टैग ले गई थी बॉक्स ऑफिस पे, जहाँ पे IMDb पे फिल्म को करीबन 7700 वोट मिले हुए, जिसमें 3.6 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। तो इसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मिक्स रिस्पांस मिलने के बावजूद, मिक्स टू नेगेटिव रिस्पांस मिलने के बावजूद, वरुण धवन और साथ ही में श्रद्धा कपूर का जो फैन बेस है वो काफी हाई लेवल पे क्रिएट हुआ है, जिसके चलते ये फिल्म ने 70 करोड़ के बजट के सामने 100 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। अब ये फिल्म कौन से OTT सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी उसके ऊपर डिटेलिंग दे देता हूँ। इस फिल्म के जो OTT राइट से वो खरीदे हुए Amazon प्राइम वीडियो ने काफी बड़ी रकम देके खरीदे हुए थे। वहीं पे फिल्म के जो सैटेलाइट राइट्स है वो खरीदे हुए सोनी नेटवर्क वालों ने, और इस फिल्म के म्यूजिक राइट्स है वो खरीदे हुए टी सीरीज वालों ने। तो ये फिल्म आपको OTT पे Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर स्ट्रीट डांसर 3D के नाम से विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। वहीं पे फिल्म का जो टेलीविजन वाला वर्जन है वो आपको टेलीविजन चैनल सोनी मैक्स और सोनी मैक्स HD के ऊपर स्ट्रीट डांसर 3D के नाम से बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा। फिल्म के गानों को बिल्कुल फ्री में आप टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इंजॉय कर पाओगे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि स्ट्रीट डांसर 3D फिल्म आपको OTT पे Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। वहीं पे इस फिल्म का सैटेलाइट प्रीमियर आपको सोनी मैक्स और सोनी मैक्स HD चैनल के ऊपर ही देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप टेलीविजन पे और OTT पे इस फिल्म को ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे। स्ट्रीट डांसर 3D जो 2020 की हिंदी लैंग्वेज डांस फिल्म है, जहाँ पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है रेमो डिसोजा ने। फिल्म के जो डायलॉग्स है वो फरहाद सामजी और जगदीप सिद्धू ने लिखे हुए हैं। स्टोरी आइडिया रेमो डिसोजा का ही था। उसके ऊपर जो स्क्रीन प्ले है वो तुषार हिरनंदानी और जगदीप सिद्धू ने लिखे हुए थे। इसके अलावा प्रोड्यूसर की बात करें तो भूषण कुमार, दिव्या खोसला कुमार, कृष्ण कुमार, लेजल डिसोजा ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। इस फिल्म को करीबन 70 करोड़ के बजट के साथ टी सीरीज रेमो डिसोजा एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था। इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है ए फिल्म के पास, यानी कि अनिल थड़ानी के पास। टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी विजय कुमार अरोरा ने की हुई है, एडिटिंग मनन अजय सागर ने की हुई है, जिन्होंने इस फिल्म को 146 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, जहां पे ये फिल्म आपको 2 घंटे के 26 मिनट के आसपास के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी, जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से US सर्टिफिकेट मिला हुआ है। और इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सॉन्ग्स को कंपोज किया हुआ है सचिन जिगर, तनिष बागची, बादशाह, गुरु रंधावा, गुरिंदर सेगल और हर्ष उपाध्याय ने, जिन्होंने अलग अलग गानों को कंपोज किया हुआ है। इस फिल्म में आपको टोटल 12 गाने सुनने को मिलेंगे, जहाँ पे कुछ वर्जन से रिक्रिएट किए हुए, वहीं पे कुछ ओरिजिनल वर्जन से। इसके अलावा इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर के ऊपर बातचीत करें तो वो कंपोज किया हुआ है सचिन जिगर ने। वहीं पे इस फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज ने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स भी खरीदे हुए, जिन्होंने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स अपने पास ही रखे हुए। इसके अलावा इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, प्रभु देवा, राघव जुयाल, नोरा फतेही, पुनीत पाठक, सलमान यूसुफ खान, अपार शक्ति खुराना देखने को मिलेंगे, धर्मेश यलांडे, सुशांत पुजारी, सोनम बजवा, मुरली शर्मा, उपासना सिंह, जरीना वहाब, उमेर अशांति खलील, मनोज पाहवा, पवन राव, वर्तिका जा, सुशांत खत्री, केशव केवी टूटर, प्रवीण भोसले, श्रेया रॉय, शशांक डोंगरा, द्विवेदिता शर्मा, भूषण, प्रशांत शिंदे, भूपेंद्र सिंह, प्रवीण शिंदे, शीतल पेरी, विनय खंडेलवाल, चांदनी श्रीवास्तव, फ्रेंसिक रफली, कैरोलिना वाइल्ड, एड्रिनोगाल, जय हेकिंग, जेसु सोरिया, एंटोन लेन,
राज कोहिल आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो ये सभी लोग फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट में हैं। तो इतने आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस फिल्म में काम किया हुआ है। जहाँ पे एक डांस फिल्म है, इस वजह से फिल्म की सपोर्टिंग और मेन लीड कास्ट भी काफ़ी लंबी है और सभी का रोल ज़रूर एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के थ्रू क्रिएट किया हुआ है। प्रोडक्शन के बारे में बातचीत करें तो फिल्म का जो पहला शेड्यूल है वो पंजाब में रखा गया था, जहाँ पे बजवा यानी कि सोनम बजवा, अपार शक्ति खुराना और वरुण धवन इन लोगों के बीच में वहीं का शेड्यूल शूट किया हुआ था। इसके अलावा फिल्म का सेकंड शेड्यूल को लंदन में सेट किया हुआ था, जहाँ पे श्रद्धा कपूर और पूरी टीम, नोहरा फतेही, सभी लोग वहाँ पे उस शेड्यूल में शामिल थे। एक्चुअली में इस फिल्म में जो श्रद्धा कपूर वाला किरदार है वो कैटरीना कैफ को ऑफर किया गया था। हालांकि श्रद्धा कपूर को जब उस किरदार में लिया गया तब स्टोरी में काफ़ी सारे चेंजेस किए गए थे उस किरदार के रिगार्डिंग, क्योंकि कैटरीना कैफ का जो ऑरा है, जो पर्सनालिटी है, और श्रद्धा कपूर का जो ऑरा और पर्सनालिटी है वो दोनों डिफरेंट है। तो उस हिसाब से सभी चेंजेस किए हुए थे। पहले कैटरीना कैफ को लेकर सभी चीज़ें फाइनलाइज हो चुकी थी, कैटरीना कैफ ही ओरिजिनल चॉइस थी इस फिल्म के लीड एक्ट्रेस के तौर पे, लेकिन कुछ रीजंस के चलते उन्होंने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। उसके बाद में श्रद्धा कपूर को ये रोल ऑफर किया गया, जहाँ पे उनके ये रोल के रिगार्डिंग काफ़ी सारे चेंजेस करते हुए फिल्म में डाला हुआ इस किरदार को। अब हम बात करें फिल्म के फाइनल शेड्यूल की, तो फिल्म का फाइनल शेड्यूल मई 2019 में शूट किया गया था, जहाँ पे उस शेड्यूल के दौरान श्रद्धा कपूर की मसल इंजरी आई हुई थी। उस वजह से फिल्म की शूटिंग को थोड़ी लेट रिज्यूम किया गया था और फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट किया हुआ है 26 जुलाई 2019 तक। मार्केटिंग रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म का जो फर्स्ट लुक पोस्टर है वो वरुण धवन वाला के पोस्टर है, वो 27 मई को अनवील किया गया था, जहाँ पे फिल्म को फाइनली रिलीज किया गया था 24 जनवरी 2020 को। फिल्म के साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो अलग अलग म्यूजिक कंपोजर के थ्रू गानों को कंपोज करवाया हुआ है। इन गानों को 2018-19 में रिकॉर्ड किया गया था, जिसके ऑडियो राइट्स है वो टी सीरीज के पास है। इसके अलावा 13 फरवरी 2020 को ये सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है। जहाँ पे गानों की ट्रैक लिस्टिंग के बारे में बातचीत करें तो पहला गाना है मुकाबला, जिसके लिरिक्स लिखे हुए शब्बीर अहमद और तनिष बागची ने, म्यूजिक दिया हुआ है तनिष बागची ने, सिंगर थी यास नार्वेकर और परंपरा ठाकुर। दूसरा गाना गर्मी, जिसके लिरिक्स बादशाह ने लिखे हुए थे, म्यूजिक डायरेक्टर भी बादशाह ही थे, सिंगर बादशाह और नेहा कक्कर थी। इन लीगल वेपन वाला जो ट्विन लीगल वेपन 2.0 गाना है, उसके लिरिक्स लिखे हुए प्रिया सरैया ने, म्यूजिक दिया हुआ था तनिष बागची ने, सिंगर थे जासमीन सेंडली और गेरी संधू। चौथा गाना दुआ करो, जिसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए, म्यूजिक सचिन जिगर ने दिया हुआ था, अरिजीत सिंह बोहेमिया और सचिन जिगर ने उसको गाया हुआ है। पांचवा गाना लग दी लाहौर दी, जिसके लिरिक्स गुरु रंधावा ने लिखे हुए थे, म्यूजिक सचिन जिगर और गुरु रंधावा ने दिया हुआ था, गुरु रंधावा और तुलसी क्रोमा ने इस रिक्रिएट वाले वर्जन को गाया हुआ था। हिंदुस्तानी वाला जो गाना है, उसके लिरिक्स लिखे हुए समीर अनजान ने, म्यूजिक दिया हुआ हर्ष उपाध्याय ने, सिंगर थे शंकर महादेवन और उदित नारायण। वहीं पे सातवां गाना बेजुबान कब से, उसके लिरिक्स लिखे हुए जिगर सरैया ने, म्यूजिक दिया हुआ सचिन जिगर ने, सिंगर थे सिद्धार्थ बसरूर, जुबिन नोटियाल और सचिन जिगर। आठवां गाना पिंड, जिसके लिरिक्स लिखे हुए कुणाल वर्मा ने, म्यूजिक दिया हुआ गुरिंदर सेगल ने, वहीं पे गाया हुआ गुरिंदर सेगल ने ही। नौवां गाना नाची नाची, जिसके लिरिक्स मिलिन गाबा ने और असली गोल्ड ने लिखे हुए, म्यूजिक दिया हुआ सचिन जिगर ने, गाया हुआ है नीति मोहन ध्वनि और भानु ध्वनि भानुशाली मिलिन गाबा। दसवां गाना गन देवा, जिसके से लिरिक्स लिखे हुए भार्गव पुरोहित ने, म्यूजिक दिया हुआ सचिन जिगर ने, गाया हुआ दिव्य कुमार और सचिन जिगर ने। 11वां गाना सिप सिप 2.0, जिसके लिरिक्स लिखे हुए गेरी संधू ने और कुमार ने, म्यूजिक दिया हुआ तनिष बागची ने, गाया हुआ है गेरी संधू और जसमीन सेंडलास ने। और आखिरी गाना यानी कि मिले सुर, जिसके लिरिक्स लिखे हुए जिगर सरैया, वायु और आईपी सिंह ने, म्यूजिक दिया हुआ है सचिन जिगर ने और गाया हुआ है नवराज हंस, साल मलिक खोलगाड़े, दिव्या कुमार, वायु, शाश्वत सिंह और आईपी सिंह, साथ ही में राकेश मेनी ने। तो ये टोटल 12 गाने जिसको अलग अलग म्यूजिक कंपोजर के थ्रू कंपोज करवाया हुआ है। और ये गाने हिंदी वर्जन में आपको टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे, जिसमें से काफ़ी सारे गाने बड़े ब्लॉकबस्टर साबित हुए, जिसे आप ज़रूर इंजॉय कर पाओगे।
अब मैं आपको इस फिल्म के आर्टिस्ट है उसमें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर डिटेलिंग दे देता हूँ। सहेज सिंह नरूला वाला जो रोल है वो वरुण धवन ने प्ले किया हुआ है, जो एक एस्पायरिंग डांसर है जो अपने ब्रदर के फुटस्टेप को फॉलो करता आ रहा हुआ है। श्रद्धा कपूर ने इनायत नाजी का रोल प्ले किया हुआ है, जो पाकिस्तान डांसर है जो अपनी फैमिली से जो डांस कर रही है वो छुपाती आ रही है। प्रभु देवा राम प्रसाद a.k.a. अन्ना के रोल में दिखाई देंगे, जो एक रेस्टोरेंट मैनेजर है, जो एक सीक्रेट स्किल्ड डांसर है। राघव जुयाल पोडी के रोल में दिखाई देंगे। नोरा फतेही ने नोरा सहेज की गर्लफ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है। पुनीत पाठक ने इंदर सिंह नरूला का रोल प्ले किया हुआ है। सलमान यूसुफ खान से नाजी के रोल में दिखाई देंगे। अपार शक्ति खुराना ने अमरिंदर सिंह का रोल प्ले किया हुआ है। धर्मेश येलांडे आपको डी के रोल में दिखाई देंगे, जो सहेज के क्लोज फ्रेंड है। वहीं पे सुशांत पुजारी ने सुशी का रोल प्ले किया हुआ है। सोनम बाजवा ने पम्मी का रोल प्ले किया हुआ है। वर्तिका झा ने समायरा का रोल प्ले किया हुआ है। मुरली शर्मा ने यूके कोप माइकल डोनाल्ड का रोल प्ले किया हुआ है। उपासना सिंह जसलीन को चड्डा के रोल में दिखाई देंगी। जरीना वहाब ने रणजोत सिंह का रोल प्ले किया हुआ है। उमेरा अशांति खलील ने इस फिल्म में फरीज इनायत का रोल प्ले किया हुआ है। मनोज पहवा छबरा के रोल में दिखाई देंगे। वर्तिका झा ने समायरा का रोल प्ले किया हुआ है। पवन राव ने इस फिल्म में फात का रोल प्ले किया हुआ है। सुशांत खत्री ने छोटू का रोल प्ले किया हुआ है। इस तरह से काफी बड़ी कास्ट है जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट किरदार को प्ले किए हुए अपने रोल में। वो बखूबी काफी शानदार से सभी एक्टर ने जो डांस किया हुआ है वो काफी बढ़िया है। उनकी परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है जो फिल्म को और बढ़िया बनाती है। इस फिल्म के डायरेक्टर रेमो डिसूजा ने फिल्म के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है, जहाँ पे कुछ चीजों को काफी बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है। साथ ही में फिल्म एक मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की हुई है वो भी बढ़िया है। हालांकि स्क्रीन प्ले थोड़ा फिल्म का वीक है, उसे थोड़ा बेटर वे में लिखा जा सकता था। फिल्म के डायलॉग और बेटर वे में लिखे जा सकते थे। स्टोरी आइडिया फिल्म का काफी बढ़िया था। प्रोडक्शन डिजाइन काफी अच्छी थी। फिल्म का काफी हाई बजट के साथ बनाया गया था, जिसके चलते इस फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू आपको आसानी से नजर आएगी। जिसका चलते फिल्म का जो अलग अलग लोकेशन दिखाया हुआ है उसको अच्छी तरह से कैमरा मैन ने शोकेस किया हुआ है। फिल्म का आर्ट डायरेक्शन कलर टोन कलर ग्रेडिंग भी बढ़िया है। फिल्म की एडिटिंग अच्छी तरह से की गई। हालांकि फिल्म को 5-10 मिनट जितना और छोटा कर देते तो और बेहतर रहता, जो अननेसेसरी सीन्स थे वो निकल जाते। इसके अलावा जो मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की उसे थोड़ा बेटर वे में एग्जीक्यूट करते तो और अच्छा रहता। सिनेमेटोग्राफी फिल्म की काफी बढ़िया थी। उसी के साथ जो डांस कोरियोग्राफी थी वो काफी शानदार थी। फिल्म के हर एक डांस का स्टेप देखने को मिलते वो काफी इम्प्रेसिव थे। फिल्म के डांस कोरियोग्राफी इतनी बढ़िया थी जिस वजह से वो सभी चीजें स्क्रीन में देखने में मजा आएगी। म्यूजिक डिपार्टमेंट में काफी शानदार काम देखने को मिलता है, जहाँ पे सॉन्ग बैकग्राउंड स्कोर को काफी बढ़िया तरीके से कंपोज किया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटर ने काफी बढ़िया तरीके से अच्छी रिलीज दिलवाई हुई थी फिल्म की, जिसकी वजह से जब फिल्म को 24 जनवरी 2020 को रिलीज किया गया था तब फिल्म ने पहले दिन पे काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया, जहाँ पे 9.5 करोड़ के आसपास का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया हुआ था हिंदी लैंग्वेज से इस फिल्म ने। वहीं पे सेकंड डे के ऊपर 12.5 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था। तीसरे दिन फिल्म ने 17 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था और वीकेंड का कलेक्शन करीबन 39 करोड़ के आसपास का पहुँच गया था। एक मिक्स वर्ड ऑफ माउथ के चलते फिल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था, जहाँ पे ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को मिक्स रिस्पॉन्स मिला था। वहीं पर क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को थोड़ा नेगेटिव साइड का रिस्पॉन्स मिला हुआ था, लेकिन फिर भी फिल्म ने 40 करोड़ के आसपास का ओपनिंग वीकेंड लिया हुआ था इंडिया से। और 28 फरवरी 2020 तक फिल्म ने 81 करोड़ 29 लाख का इंडिया से कलेक्शन करके दिखाया, 15 करोड़ 71 लाख का ओवरसीज से ग्रॉस कलेक्शन किया। और इसी के साथ वर्ल्ड वाइड जो ग्रॉस कलेक्शन था वो फिल्म का 97 करोड़ बना, जहां पे फिल्म का बजट करीबन जो था वो 70 करोड़ था। 70 करोड़ के बजट के सामने करीबन 100 करोड़ के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन करते हुए ये फिल्म एक एवरेज हिट का टैग ले गई थी बॉक्स ऑफिस पे, जहाँ पे IMDb पे फिल्म को करीबन 7700 वोट मिले हुए, जिसमें 3.6 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। तो इसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मिक्स रिस्पांस मिलने के बावजूद, मिक्स टू नेगेटिव रिस्पांस मिलने के बावजूद, वरुण धवन और साथ ही में श्रद्धा कपूर का जो फैन बेस है वो काफी हाई लेवल पे क्रिएट हुआ है, जिसके चलते फिल्म ने 70 करोड़ के बजट के सामने 100 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। अब ये फिल्म कौन से OTT सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी उसके ऊपर डिटेलिंग दे देता हूँ। इस फिल्म के जो OTT राइट से वो खरीदे हुए Amazon प्राइम वीडियो ने काफी बड़ी रकम देके खरीदे हुए थे। वहीं पे फिल्म के जो सैटेलाइट राइट्स है वो खरीदे हुए सोनी नेटवर्क वालों ने, और इस फिल्म के म्यूजिक राइट्स है वो खरीदे हुए टी सीरीज वालों ने। तो ये फिल्म आपको OTT पे Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर स्ट्रीट डांसर 3D के नाम से विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। वहीं पे फिल्म का जो टेलीविजन वाला वर्जन है वो आपको टेलीविजन चैनल सोनी मैक्स और सोनी मैक्स HD के ऊपर स्ट्रीट डांसर 3D के नाम से बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा। फिल्म के गानों को बिल्कुल फ्री में आप टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इंजॉय कर पाओगे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि स्ट्रीट डांसर 3D फिल्म आपको OTT पे
अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। वहीं पे इस फिल्म का सैटेलाइट प्रीमियर आपको सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एचडी चैनल के ऊपर ही देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप टेलीविजन पे और ओटीटी पे इस फिल्म को ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। स्ट्रीट डांसर 3D जो 2020 की हिंदी लैंग्वेज डांस फिल्म है, जहाँ पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है रेमो डिसोजा ने। फिल्म के जो डायलॉग्स है वो फरहाद सामजी और जगदीप सिद्धू ने लिखे हुए हैं। स्टोरी आइडिया रेमो डिसूजा का ही था। उसके ऊपर जो स्क्रीन प्ले है वो तुषार हिरनंदानी और जगदीप सिद्धू ने लिखे हुए थे। इसके अलावा प्रोड्यूसर की बात करें तो भूषण कुमार, दिव्या खोसला कुमार, कृष्ण कुमार, लेजल डिसूजा ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। इस फिल्म को करीबन 70 करोड़ के बजट के साथ टी सीरीज रेमो डिसूजा एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था। इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है ए फिल्म्स के पास, यानी कि अनिल थड़ानी के पास। टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी विजय कुमार अरोरा ने की हुई है, एडिटिंग मनन अजय सागर ने की हुई है, जिन्होंने इस फिल्म को 146 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, जहां पे ये फिल्म आपको 2 घंटे के 26 मिनट के आसपास के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी, जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से US सर्टिफिकेट मिला हुआ है। और इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सॉन्ग्स को कंपोज किया हुआ है सचिन जिगर, तनिष बागची, बादशाह, गुरु रंधावा, गुरिंदर सेगल और हर्ष उपाध्याय ने, जिन्होंने अलग अलग गानों को कंपोज किया हुआ है। इस फिल्म में आपको टोटल 12 गाने सुनने को मिलेंगे, जहां पे कुछ वर्जन से रिक्रिएट किए हुए, वहीं पे कुछ ओरिजिनल वर्जन से। इसके अलावा इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर के ऊपर बातचीत करें तो वो कंपोज किया हुआ है सचिन जिगर ने। वहीं पे इस फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज ने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स भी खरीदे हुए, जिन्होंने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स अपने पास ही रखे हुए। इसके अलावा इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, प्रभु देवा, राघव जुयाल, नोरा फतेह, पुनीत पाठक, सलमान यूसुफ खान, अपार शक्ति खुराना देखने को मिलेंगे, धर्मेश यलांडे, सुशांत पुजारी, सोनम बजवा, मुरली शर्मा, उपासना सिंह, जरीना वहाब, उमेर असंति खलील, मनोज पाहवा, पवन राव, वर्तिका जा, सुशांत खत्री, केशव केवी टूटर, प्रवीण भोसले, श्रेयाज रॉय, शशांक डोंगरा, द्विवेदिता शर्मा, भूषण, प्रशांत शिंदे, भूपेंद्र सिंह, प्रवीण शिंदे, शीतल पेरी, विनय खंडेलवाल, चांदनी श्रीवास्तव, फ्रेंसिक रफली, कैरोलिना वाइल्ड, एड्रिनो गाल, जय हेकिंग, जेसु सोरिया, एंटोनलियन, राज कोहिल आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो ये सभी लोग फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट में हैं। तो इतने आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस फिल्म में काम किया हुआ है। जहाँ पे एक डांस फिल्म है, इस वजह से फिल्म की सपोर्टिंग और मेन लीड कास्ट भी काफ़ी लंबी है और सभी का रोल ज़रूर एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के थ्रू क्रिएट किया हुआ है। प्रोडक्शन के बारे में बातचीत करें तो फिल्म का जो पहला शेड्यूल है वो पंजाब में रखा गया था, जहाँ पे बजवा यानी कि सोनम बजवा, अपार शक्ति खुराना और वरुण धवन इन लोगों के बीच में वहीं का शेड्यूल शूट किया हुआ था। इसके अलावा फिल्म का सेकंड शेड्यूल को लंदन में सेट किया हुआ था, जहाँ पे श्रद्धा कपूर और पूरी टीम, नोहरा पते, सभी लोग वहाँ पे उस शेड्यूल में शामिल थे। एक्चुअली में इस फिल्म में जो श्रद्धा कपूर वाला किरदार है वो कैटरीना कैफ को ऑफर किया गया था। हालांकि श्रद्धा कपूर को जब उस किरदार में लिया गया तब स्टोरी में काफ़ी सारे चेंजेस किए गए थे उस किरदार के रिगार्डिंग, क्योंकि कैटरीना कैफ का जो ओरा है, जो पर्सनालिटी है, और श्रद्धा कपूर का जो ओरा और पर्सनालिटी है वो दोनों डिफरेंट है, तो उस हिसाब से सभी चेंजेस किए हुए थे। पहले कैटरीना कैफ को लेकर सभी चीज़ें फाइनलाइज हो चुकी थी, कैटरीना कैफ ही ओरिजिनल चॉइस थी इस फिल्म के लीड एक्ट्रेस के तौर पर, लेकिन कुछ रीजंस के चलते उन्होंने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। उसके बाद में श्रद्धा कपूर को ये रोल ऑफर किया गया, जहाँ पे उनके ये रोल के रिगार्डिंग काफ़ी सारे चेंजेस करते हुए फिल्म में डाला हुआ इस किरदार को। अब हम बात करें फिल्म के फाइनल शेड्यूल की, तो फिल्म का फाइनल शेड्यूल मई 2019 में शूट किया गया था, जहाँ पे उस शेड्यूल के दौरान श्रद्धा कपूर की मसल इंजरी आई हुई थी, उस वजह से फिल्म की शूटिंग को थोड़े लेट रिज्यूम किया गया था और फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट किया हुआ है 26 जुलाई 2019 तक।
मार्केटिंग रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म का जो फर्स्ट लुक पोस्टर है वो वरुण धवन वाला के पोस्टर है, वो 27 मई को अनवील किया गया था, जहाँ पे फिल्म को फाइनली रिलीज किया गया था 24 जनवरी 2020 को। फिल्म के साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो अलग अलग म्यूजिक कंपोजर के थ्रू गानों को कंपोज करवाया हुआ है। इन गानों को 2018-19 में रिकॉर्ड किया गया था, जिसके ऑडियो राइट्स है वो टी सीरीज के पास है। इसके अलावा 13 फरवरी 2020 को ये सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है। जहाँ पे गानों की ट्रैक लिस्टिंग के बारे में बातचीत करें तो पहला गाना है मुकाबला, जिसके लिरिक्स लिखे हुए शब्बीर अहमद और तनिष बागची ने, म्यूजिक दिया हुआ है तनिष बागची ने, सिंगर थी यास नार्वेकर और परंपरा ठाकुर। दूसरा गाना गर्मी, जिसके लिरिक्स बादशाह ने लिखे हुए थे, म्यूजिक डायरेक्टर भी बादशाह ही थे, सिंगर बादशाह और नेहा कक्कर थी। इन लीगल वेपन वाला जो ट्विन लीगल वेपन 2.0 गाना है, उसके लिरिक्स लिखे हुए प्रिया सरैया ने, म्यूजिक दिया हुआ था तनिष बागची ने, सिंगर थे जासमीन सेंडली और गेरी संधू। चौथा गाना दुआ करो, जिसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए, म्यूजिक सचिन जिगर ने दिया हुआ था, अरिजीत सिंह बोहेमिया और सचिन जिगर ने उसको गाया हुआ है। पांचवा गाना लग दी लाहौर दी, जिसके लिरिक्स गुरु रंधावा ने लिखे हुए थे, म्यूजिक सचिन जिगर और गुरु रंधावा ने दिया हुआ था, गुरु रंधावा और तुलसी क्रोमा ने इस रिक्रिएट वाले वर्जन को गाया हुआ था। हिंदुस्तानी वाला जो गाना है, उसके लिरिक्स लिखे हुए समीर अनजान ने, म्यूजिक दिया हुआ हर्ष उपाध्याय ने, सिंगर थे शंकर महादेवन और उदित नारायण। वहीं पे सातवां गाना बेजुबान कब से, उसके लिरिक्स लिखे हुए जिगर सरैया ने, म्यूजिक दिया हुआ सचिन जिगर ने, सिंगर थे सिद्धार्थ बसरूर, जुबिन नोटियाल और सचिन जिगर। आठवां गाना पिंड, जिसके लिरिक्स लिखे हुए कुणाल वर्मा ने, म्यूजिक दिया हुआ गुरिंदर सेगल ने, वहीं पे गाया हुआ गुरिंदर सेगल ने ही। नौवां गाना नाची नाची, जिसके लिरिक्स मिलिन गाबा ने और असली गोल्ड ने लिखे हुए, म्यूजिक दिया हुआ सचिन जिगर ने, गाया हुआ है नीति मोहन ध्वनि और भानुशाली मिलिन गाबा। दसवां गाना गन देवा, जिसके से लिरिक्स लिखे हुए भार्गव पुरोहित ने, म्यूजिक दिया हुआ सचिन जिगर ने, गाया हुआ दिव्य कुमार और सचिन जिगर ने। 11वां गाना सिप सिप 2.0, जिसके लिरिक्स लिखे हुए गेरी संधु ने और कुमार ने, म्यूजिक दिया हुआ तनिष बागची ने, गाया हुआ है गेरी संधु और जसमीन सेंडलास ने। और आखिरी गाना यानी कि मिले सुर, जिसके लिरिक्स लिखे हुए जिगर सरैया, वायु और आईपी सिंह ने, म्यूजिक दिया हुआ है सचिन जिगर ने और गाया हुआ है नवराज हंस, साल मलिक खोलगाड़े, दिव्या कुमार, वायु, शाश्वत सिंह और आईपी सिंह, साथ ही में राकेश मेनी ने। तो ये टोटल 12 गाने जिसको अलग अलग म्यूजिक कंपोजर के थ्रू कंपोज करवाया हुआ है। और ये गाने हिंदी वर्जन में आपको टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे, जिसमें से काफी सारे गाने बड़े ब्लॉकबस्टर साबित हुए, जिसे आप जरूर इंजॉय कर पाओगे। अब मैं आपको इस फिल्म के आर्टिस्ट है उसमें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर डिटेलिंग दे देता हूँ। सहेज सिंह नरूला वाला जो रोल है वो वरुण धवन ने प्ले किया हुआ है, जो एक एस्पायरिंग डांसर है जो अपने ब्रदर के फुटस्टेप को फॉलो करता आ रहा हुआ है। श्रद्धा कपूर ने इनायत नाजी का रोल प्ले किया हुआ है, जो पाकिस्तान डांसर है जो अपनी फैमिली से जो डांस कर रही है वो छुपाती आ रही है। प्रभु देवा राम प्रसाद a.k.a. अन्ना के रोल में दिखाई देंगे, जो एक रेस्टोरेंट मैनेजर है जो एक सीक्रेट स्किल डांसर है। राघव जुयाल पोडी के रोल में दिखाई देंगे, नोरा फतेही ने नोरा सहेज की गर्लफ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है। पुनीत पाठक ने इंदर सिंह नरूला का रोल प्ले किया हुआ है। सलमान यूसुफ खान से नाजी के रोल में दिखाई देंगे। अपार शक्ति खुराना ने अमरिंदर सिंह का रोल प्ले किया हुआ है। धर्मेश येलांडे आपको डी के रोल में दिखाई देंगे, जो सहेज के क्लोज फ्रेंड है। वहीं पे सुशांत पुजारी ने सुशी का रोल प्ले किया हुआ है। सोनम बजवा ने पम्मी का रोल प्ले किया हुआ है। वर्तिका झा ने समायरा का रोल प्ले किया हुआ है। मुरली शर्मा ने यूके कोप माइकल डोनाल्ड का रोल प्ले किया हुआ है। उपासना सिंह जसलिन को चड्डा के रोल में दिखाई देंगे। जरीना वहाब ने रणजोत सिंह का रोल प्ले किया हुआ है। उमेरा अशांति खलील ने इस फिल्म में फरीज इनायत का रोल प्ले किया हुआ है। मनोज पहवा छबरा के रोल में दिखाई देंगे। वर्तिका झा ने समायरा का रोल प्ले किया हुआ है। पवन राव ने इस फिल्म में फात का रोल प्ले किया हुआ है। सुशांत खत्री ने छोटू का रोल प्ले किया हुआ है। इस तरह से काफी बड़ी कास्ट है जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट किरदार को प्ले किए हुए। अपने रोल में वो बखूबी काफी शानदार थे। सभी एक्टर ने जो डांस किया हुआ है वो काफी बढ़िया है, उनकी परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है, जो फिल्म को और बढ़िया बनाती है।
थी। इस फिल्म के डायरेक्टर रेमो डिसूजा ने फिल्म के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है, जहाँ पे कुछ चीज़ों को काफ़ी बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है, साथ ही में फिल्म एक मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की हुई है वो भी बढ़िया है। हालांकि स्क्रीन प्ले थोड़ा फिल्म का वीक है, उसे थोड़ा बेटर वे में लिखा जा सकता था, फिल्म के डायलॉग और बेटर वे में लिखे जा सकते थे। स्टोरी आइडिया फिल्म का काफ़ी बढ़िया था। प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी अच्छी थी, फिल्म के काफ़ी हाई बजट के साथ बनाया गया था, जिसके चलते इस फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू आपको आसानी से नजर आएगी, जिसका चलते फिल्म का जो अलग अलग लोकेशन दिखाया हुआ है उसको अच्छी तरह से कैमरा मैन ने शोकेस किया हुआ है। फिल्म का आर्ट डायरेक्शन, कलर टोन, कलर ग्रेडिंग भी बढ़िया है। फिल्म की एडिटिंग अच्छी तरह से की गई, हालांकि फिल्म को 5-10 मिनट जितना और छोटा कर देते तो और बेहतर रहता, जो अननेसेसरी सीन्स थे वो निकल जाते। इसके अलावा जो मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की उसे थोड़ा बेटर वे में एग्जीक्यूट करते तो और अच्छा रहता। सिनेमेटोग्राफी फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी, उसी के साथ जो डांस कोरियोग्राफी थी वो काफ़ी शानदार थी। फिल्म के हर एक डांस स्टेप देखने को मिलते वो काफ़ी इम्प्रेसिव थे। फिल्म के डांस कोरियोग्राफी इतनी बढ़िया थी जिस वजह से वो सभी चीज़ें स्क्रीन में देखने में मजा आएगी। म्यूजिक डिपार्टमेंट में काफ़ी शानदार काम देखने को मिलता है, जहाँ पे सॉन्ग बैकग्राउंड स्कोर को काफ़ी बढ़िया तरीके से कंपोज किया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से अच्छी रिलीज दिलवाई हुई थी फिल्म की, जिसकी वजह से जब फिल्म को 24 जनवरी 2020 को रिलीज किया गया था, तब फिल्म ने पहले दिन पे काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया, जहाँ पे 9.5 करोड़ के आसपास का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया हुआ था हिंदी लैंग्वेज से। इस फिल्म ने वहीं पे सेकंड डे के ऊपर 12.5 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था। तीसरे दिन फिल्म ने 17 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था और वीकेंड का कलेक्शन करीबन 39 करोड़ के आसपास का पहुँच गया था। एक मिक्स वर्ड ऑफ माउथ के चलते फिल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था, जहाँ पे ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को मिक्स रिस्पॉन्स मिला था, वहीं पर क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को थोड़ा नेगेटिव साइड का रिस्पॉन्स मिला हुआ था। लेकिन फिर भी फिल्म ने 40 करोड़ के आसपास का ओपनिंग वीकेंड लिया हुआ था इंडिया से, और 28 फरवरी 2020 तक फिल्म ने 81 करोड़ 29 लाख का इंडिया से कलेक्शन करके दिखाया, 15 करोड़ 71 लाख का ओवरसीज से ग्रॉस कलेक्शन किया, और इसी के साथ वर्ल्ड वाइड जो ग्रॉस कलेक्शन था वो फिल्म का 97 करोड़ बना, जहां पे फिल्म का बजट करीबन जो था वो 70 करोड़ था। 70 करोड़ के बजट के सामने करीबन 100 करोड़ के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन करते हुए ये फिल्म एक एवरेज हिट का टैग ले गई थी बॉक्स ऑफिस पे, जहाँ पे IMDb पे फिल्म को करीबन 7700 वोट मिले हुए, जिसमें 3.6 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मिक्स रिस्पांस मिलने के बावजूद, मिक्स टू नेगेटिव रिस्पांस मिलने के बावजूद, वरुण धवन और साथ ही में श्रद्धा कपूर का जो फैन बेस है वो काफी हाई लेवल पे क्रिएट हुआ है, जिसके चलते फिल्म ने 70 करोड़ के बजट के सामने 100 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। अब ये फिल्म कौन से OTT सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी उसके ऊपर डिटेलिंग दे देता हूँ। इस फिल्म के जो OTT राइट से वो खरीदे हुए Amazon प्राइम वीडियो ने काफी बड़ी रकम देके खरीदे हुए थे, वहीं पे फिल्म के जो सैटेलाइट राइट्स है वो खरीदे हुए सोनी नेटवर्क वालों ने, और इस फिल्म के म्यूजिक राइट्स है वो खरीदे हुए टी सीरीज वालों ने। तो ये फिल्म आपको OTT पे Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर स्ट्रीट डांसर 3D के नाम से विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। वहीं पे फिल्म का जो टेलीविजन वाला वर्जन है वो आपको टेलीविजन चैनल सोनी मैक्स और सोनी मैक्स HD के ऊपर स्ट्रीट डांसर 3D के नाम से बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा। फिल्म के गानों को बिल्कुल फ्री में आप टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर एंजॉय कर पाओगे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि स्ट्रीट डांसर 3D फिल्म आपको OTT पे Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। वहीं पे इस फिल्म का सैटेलाइट प्रीमियर आपको सोनी मैक्स और सोनी मैक्स HD चैनल के ऊपर ही देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप टेलीविजन पे और OTT पे इस फिल्म को ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। स्ट्रीट डांसर 3D जो 2020 की हिंदी लैंग्वेज डांस फिल्म है, जहाँ पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है रेमो डिसोजा ने। फिल्म के जो डायलॉग्स है वो फरहाद सामजी और जगदीप सिद्धू ने लिखे हुए हैं। स्टोरी आइडिया रेमो डिसोजा का ही था। उसके ऊपर जो स्क्रीन प्ले है वो तुषार हिरनंदानी और जगदीप सिद्धू ने लिखे हुए थे। इसके अलावा प्रोड्यूसर की बात करें तो भूषण कुमार, दिव्या खोसला कुमार, कृष्ण कुमार, लेजल डिसूजा ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। इस फिल्म को करीबन 70 करोड़ के बजट के साथ टी सीरीज रेमो डिसूजा एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था। इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है ए फिल्म्स के पास, यानी कि अनिल थड़ानी के पास। टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी विजय कुमार अरोरा ने की हुई है, एडिटिंग मनन अजय सागर ने की हुई है, जिन्होंने इस फिल्म को 146 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, जहाँ पे ये फिल्म आपको 2 घंटे के 26 मिनट के आसपास के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी, जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से US सर्टिफिकेट मिला हुआ है।
और इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सॉन्ग्स को कंपोज किया हुआ है सचिन जिगर, तनिष बागची, बादशाह, गुरु रंधावा, गुरिंदर सेगल और हर्ष उपाध्याय ने, जिन्होंने अलग अलग गानों को कंपोज किया हुआ है। इस फिल्म में आपको टोटल 12 गाने सुनने को मिलेंगे, जहाँ पे कुछ वर्जन से रिक्रिएट किए हुए, वहीं पे कुछ ओरिजिनल वर्जन से। इसके अलावा इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर के ऊपर बातचीत करें तो वो कंपोज किया हुआ है सचिन जिगर ने। वहीं पे इस फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज ने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स भी खरीदे हुए, जिन्होंने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स अपने पास ही रखे हुए। इसके अलावा इस फिल्म की लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, प्रभु देवा, राघव जुयाल, नोरा फतेही, पुनीत पाठक, सलमान यूसुफ खान, अपार शक्ति खुराना देखने को मिलेंगे, धर्मेश ये लांडे, सुशांत पुजारी, सोनम बजवा, मुरली शर्मा, उपासना सिंह, जरीना वहाब, उमेर असंती खलील, मनोज पाहवा, पवन राव, वर्तिका जा, सुशांत खत्री, केशव केवी टूटर, प्रवीण भोसले, श्रेया रॉय, शशांक डोंगरा, द्विवेदिता शर्मा, भूषण, प्रशांत शिंदे, भूपेंद्र सिंह, प्रवीण शिंदे, शीतल पेरी, विनय खंडेलवाल, चांदनी श्रीवास्तव, फ्रेंसिक रफली, कैरोलिना वाइल्ड, एड्रिनो गर्ल, जय हेकिंग, जेसु सोरिया, एंटोनलियन, राज गोहिल आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो ये सभी लोग फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट में हैं। तो इतने आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस फिल्म में काम किया हुआ है, जहाँ पे एक डांस फिल्म है, इस वजह से फिल्म की सपोर्टिंग और मेन लीड कास्ट भी काफ़ी लंबी है और सभी का रोल जरूर एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के थ्रू क्रिएट किया हुआ है। प्रोडक्शन के बारे में बातचीत करें तो फिल्म का जो पहला शेड्यूल है वो पंजाब में रखा गया था, जहाँ पे बजवा यानी कि सोनम बजवा, अपार शक्ति खुराना और वरुण धवन इन लोगों के बीच में वहीं का शेड्यूल शूट किया हुआ था। इसके अलावा फिल्म का सेकंड शेड्यूल को लंदन में सेट किया हुआ था, जहाँ पे श्रद्धा कपूर और पूरी टीम, नोहरा फतेही, सभी लोग वहाँ पे उस शेड्यूल में शामिल थे। एक्चुअली में इस फिल्म में जो श्रद्धा कपूर वाला किरदार है वो कैटरीना कैफ को ऑफर किया गया था। हालांकि श्रद्धा कपूर को जब उस किरदार में लिया गया तब स्टोरी में काफ़ी सारे चेंजेस किए गए थे उस किरदार के रिगार्डिंग, क्योंकि कैटरीना कैफ का जो ऑरा है, जो पर्सनालिटी है, और श्रद्धा कपूर का जो ऑरा और पर्सनालिटी है वो दोनों डिफरेंट है। तो उस हिसाब से सभी चेंजेस किए हुए थे। पहले कैटरीना कैफ को लेकर सभी चीज़ें फाइनलाइज हो चुकी थी, कैटरीना कैफ ही ओरिजिनल चॉइस थी इस फिल्म के लीड एक्ट्रेस के तौर पे, लेकिन कुछ रीजंस के चलते उन्होंने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। उसके बाद में श्रद्धा कपूर को ये रोल ऑफर किया गया, जहाँ पे उनके ये रोल के रिगार्डिंग काफ़ी सारे चेंजेस करते हुए फिल्म में डाला हुआ इस किरदार को। अब हम बात करें फिल्म के फाइनल शेड्यूल की, तो फिल्म का फाइनल शेड्यूल मई 2019 में शूट किया गया था, जहाँ पे उस शेड्यूल के दौरान श्रद्धा कपूर की मसल इंजरी आई हुई थी, उस वजह से फिल्म की शूटिंग को थोड़े लेट रिज्यूम किया गया था और फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट किया हुआ है 26 जुलाई 2019 तक। मार्केटिंग रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म का जो फर्स्ट लुक पोस्टर है वो वरुण धवन वाला के पोस्टर है, वो 27 मई को अनवील किया गया था, जहाँ पे फिल्म को फाइनली रिलीज किया गया था 24 जनवरी 2020 को। फिल्म के साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो अलग अलग म्यूजिक कंपोजर के थ्रू गानों को कंपोज करवाया हुआ है। इन गानों को 2018-19 में रिकॉर्ड किया गया था, जिसके ऑडियो राइट्स है वो टी सीरीज के पास है। इसके अलावा 13 फरवरी 2020 को ये सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है। जहाँ पे गानों की ट्रैक लिस्टिंग के बारे में बातचीत करें तो पहला गाना है मुकाबला, जिसके लिरिक्स लिखे हुए शब्बीर अहमद और तनिष बागची ने, म्यूजिक दिया हुआ है तनिष बागची ने, सिंगर थी यास नार्वेकर और परंपरा ठाकुर। दूसरा गाना गर्मी, जिसके लिरिक्स बादशाह ने लिखे हुए थे, म्यूजिक डायरेक्टर भी बादशाह ही थे, सिंगर बादशाह और नेहा कक्कर थी। इन लीगल वेपन वाला जो ट्विन लीगल वेपन 2.0 गाना है, उसके लिरिक्स लिखे हुए प्रिया सरैया ने, म्यूजिक दिया हुआ था तनिष बागची ने, सिंगर थे जासमीन सेंडली और गेरी संधू। चौथा गाना दुआ करो, जिसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए, म्यूजिक सचिन जिगर ने दिया हुआ था, अरिजीत सिंह, बोहेमिया और सचिन जिगर ने उसको गाया हुआ है। पांचवा गाना लग दी लाहौर दी, जिसके लिरिक्स गुरु रंधावा ने लिखे हुए थे, म्यूजिक सचिन जिगर और गुरु रंधावा ने दिया हुआ था, गुरु रंधावा और तुलसी क्रोमा ने इस रिक्रिएट वाले वर्जन को गाया हुआ था। हिंदुस्तानी वाला जो गाना है, उसके लिरिक्स लिखे हुए समीर अनजान ने, म्यूजिक दिया हुआ हर्ष उपाध्याय ने, सिंगर थे शंकर महादेवन और उदित नारायण। वहीं पे सातवां गाना बेजुबान कब से, उसके लिरिक्स लिखे हुए जिगर सरैया ने, म्यूजिक दिया हुआ सचिन जिगर ने,
सिंगर थे सिद्धार्थ बसरूर, जुबिन नोटियाल और सचिन जिगर। आठवां गाना पिंड, जिसके लिरिक्स लिखे हुए कुणाल वर्मा ने, म्यूजिक दिया हुआ गुरिंदर सेगल ने, वहीं पे गाया हुआ गुरिंदर सेगल ने ही। नौवां गाना नाची नाची, जिसके लिरिक्स मिलिन गाबा ने और असली गोल्ड ने लिखे हुए, म्यूजिक दिया हुआ सचिन जिगर ने, गाया हुआ है नीति मोहन ध्वनि और भानु ध्वनि भानुशाली मिलिन गाबा। दसवां गाना गन देवा, जिसके से लिरिक्स लिखे हुए भार्गव पुरोहित ने, म्यूजिक दिया हुआ सचिन जिगर ने, गाया हुआ दिव्य कुमार और सचिन जिगर ने। ग्यारहवां गाना सिप सिप 2.0, जिसके लिरिक्स लिखे हुए गेरी संधु ने और कुमार ने, म्यूजिक दिया हुआ तनिष बागची ने, गाया हुआ है गेरी संधु और जस्मिन सेंडलास ने। और आखिरी गाना यानी कि मिले सुर, जिसके लिरिक्स लिखे हुए जिगर सरैया वायु और आईपी सिंह ने, म्यूजिक दिया हुआ है सचिन जिगर ने और गाया हुआ है नवराज हंस साल मलिक खोलगाड़े दिव्या कुमार वायु शाश्वत सिंह और आईपी सिंह साथ ही में राकेश मेनी ने। तो ये टोटल 12 गाने जिसको अलग अलग म्यूजिक कंपोजर के थ्रू कंपोज करवाया हुआ है। और ये गाने हिंदी वर्जन में आपको टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे, जिसमें से काफी सारे गाने बड़े ब्लॉकबस्टर साबित हुए, जिसे आप जरूर इंजॉय कर पाओगे। अब मैं आपको इस फिल्म के आर्टिस्ट है उसमें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर डिटेलिंग दे देता हूँ। सहेज सिंह नरूला वाला जो रोल है वो वरुण धवन ने प्ले किया हुआ है, जो एक एस्पायरिंग डांसर है जो अपने ब्रदर के फुटस्टेप को फॉलो करता आ रहा हुआ है। श्रद्धा कपूर ने इनायत नाजी का रोल प्ले किया हुआ है, जो पाकिस्तान डांसर है जो अपनी फैमिली से जो डांस कर रही है वो छुपाती आ रही है। प्रभु देवा राम प्रसाद a.k.a. अन्ना के रोल में दिखाई देंगे, जो एक रेस्टोरेंट मैनेजर है जो एक सीक्रेट स्किल डांसर है। राघव जुयाल पोडी के रोल में दिखाई देंगे, नोरा फतेही ने नोरा सहेज की गर्लफ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है। पुनीत पाठक ने इंदर सिंह नरूला का रोल प्ले किया हुआ है। सलमान यूसुफ खान से नाजी के रोल में दिखाई देंगे। अपार शक्ति खुराना ने अमरिंदर सिंह का रोल प्ले किया हुआ है। धर्मेश येलांडे आपको डी के रोल में दिखाई देंगे, जो सहेज के क्लोज फ्रेंड है। वहीं पे सुशांत पुजारी ने सुशी का रोल प्ले किया हुआ है। सोनम बजवा ने पम्मी का रोल प्ले किया हुआ है। वर्तिका झा ने समायरा का रोल प्ले किया हुआ है। मुरली शर्मा ने यूके कोप माइकल डोनाल्ड का रोल प्ले किया हुआ है। उपासना सिंह जसलिन को चड्डा के रोल में दिखाई देंगी। जरीना वहाब ने रणजोत सिंह का रोल प्ले किया हुआ है। उमेरा अशांति खलील ने इस फिल्म में फरीज इनायत का रोल प्ले किया हुआ है। मनोज पहवा छबरा के रोल में दिखाई देंगे। वर्तिका झा ने समायरा का रोल प्ले किया हुआ है। पवन राव ने इस फिल्म में फात का रोल प्ले किया हुआ है। सुशांत खत्री ने छोटू का रोल प्ले किया हुआ है। इस तरह से काफी बड़ी कास्ट है जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट किरदार को प्ले किए हुए। अपने रोल में वो बखूबी काफी शानदार थे। सभी एक्टर ने जो डांस किया हुआ है वो काफी बढ़िया है, उनकी परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है, जो फिल्म को और बढ़िया बनाती है। इस फिल्म के डायरेक्टर रेमो डिसूजा ने फिल्म के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है, जहाँ पे कुछ चीजों को काफी बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है। साथ ही में फिल्म एक मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की हुई है, वो भी बढ़िया है। हालांकि स्क्रीन प्ले थोड़ा फिल्म का वीक है, उसे थोड़ा बेटर वे में लिखा जा सकता था। फिल्म के लोग और बेटर वे में लिखे जा सकते थे। स्टोरी आइडिया फिल्म का काफी बढ़िया था। प्रोडक्शन डिजाइन काफी अच्छी थी। फिल्म का काफी हाई बजट के साथ बनाया गया था, जिसके चलते इस फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू आपको आसानी से नजर आएगी। जिसका चलते फिल्म का जो अलग अलग लोकेशन दिखाया हुआ है उसको अच्छी तरह से कैमरा मैन ने शोकेस किया हुआ है। फिल्म का आर्ट डायरेक्शन कलर टोन कलर ग्रेडिंग भी बढ़िया है। फिल्म की एडिटिंग अच्छी तरह से की गई। हालांकि फिल्म को 5-10 मिनट जितना और छोटा कर देते तो और बेहतर रहता, जो अननेसेसरी सीन्स थे वो निकल जाते। इसके अलावा जो मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की उसे थोड़ा बेटर वे में एग्जीक्यूट करते तो और अच्छा रहता। सिनेमेटोग्राफी फिल्म की काफी बढ़िया थी, उसी के साथ जो डांस कोरियोग्राफी थी वो काफी शानदार थी। फिल्म के हर एक डांस स्टेप देखने को मिलते वो काफी इंप्रेसिव थे। फिल्म के डांस कोरियोग्राफी इतनी बढ़िया थी जिस वजह से वो सभी चीजें स्क्रीन में देखने में मजा आएगी। म्यूजिक डिपार्टमेंट में काफी शानदार काम देखने को मिलता है, जहाँ पे सॉन्ग बैकग्राउंड स्कोर को काफी बढ़िया तरीके से कंपोज किया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटर ने काफी बढ़िया तरीके से अच्छी रिलीज दिलवाई हुई थी फिल्म की, जिसकी वजह से जब फिल्म को 24 जनवरी 2020 को रिलीज किया गया था तब फिल्म ने पहले दिन पे काफी बढ़िया कलेक्शन किया, जहाँ पे 9.5 करोड़ के आसपास का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया हुआ था हिंदी लैंग्वेज से इस फिल्म ने। वहीं पे सेकंड डे के ऊपर 12.5 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था। तीसरे दिन फिल्म ने 17 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था और वीकेंड का कलेक्शन करीबन 39 करोड़ के आसपास का पहुंच गया था। एक मिक्स वर्ड ऑफ माउथ के चलते फिल्म ने काफी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था, जहाँ पे ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को मिक्स रिस्पॉन्स मिला था। वहीं पे क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को थोड़ा नेगेटिव साइड का रिस्पॉन्स मिला हुआ था, लेकिन
फिर भी फिल्म ने 40 करोड़ के आसपास का ओपनिंग वीकेंड लिया हुआ था इंडिया से, और 28 फरवरी 2020 तक फिल्म ने 81 करोड़ 29 लाख का इंडिया से कलेक्शन करके दिखाया, 15 करोड़ 71 लाख का ओवरसीज से ग्रॉस कलेक्शन किया, और इसी के साथ वर्ल्ड वाइड जो ग्रॉस कलेक्शन था वो फिल्म का 97 करोड़ बना, जहाँ पे फिल्म का बजट करीबन जो था वो 70 करोड़ था। 70 करोड़ के बजट के सामने करीबन 100 करोड़ के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन करते हुए ये फिल्म एक एवरेज हिट का टैग ले गई थी बॉक्स ऑफिस पे, जहाँ पे IMDb पे फिल्म को करीबन 7700 वोट मिले हुए, जिसमें 3.6 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मिक्स रिस्पॉन्स मिलने के बावजूद, मिक्स टू नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलने के बावजूद, वरुण धवन और साथ ही में श्रद्धा कपूर का जो फैन बेस है वो काफी हाई लेवल पे क्रिएट हुआ है, जिसके चलते फिल्म ने 70 करोड़ के बजट के सामने 100 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। अब ये फिल्म कौन से OTT सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी उसके ऊपर डिटेलिंग दे देता हूँ। इस फिल्म के जो OTT राइट्स है वो खरीदे हुए Amazon प्राइम वीडियो ने, काफी बड़ी रकम देके खरीदे हुए थे। वहीं पे फिल्म के जो सैटेलाइट राइट्स है वो खरीदे हुए सोनी नेटवर्क वालों ने, और इस फिल्म के म्यूजिक राइट्स है वो खरीदे हुए टी सीरीज वालों ने। तो ये फिल्म आपको OTT पे Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर स्ट्रीट डांसर 3D के नाम से विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। वहीं पे फिल्म का जो टेलीविजन वाला वर्जन है वो आपको टेलीविजन चैनल सोनी मैक्स और सोनी मैक्स HD के ऊपर स्ट्रीट डांसर 3D के नाम से बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा। फिल्म के गानों को बिल्कुल फ्री में आप टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इंजॉय कर पाओगे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि स्ट्रीट डांसर 3D फिल्म आपको OTT पे Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। वहीं पे इस फिल्म का सैटेलाइट प्रीमियर आपको सोनी मैक्स और सोनी मैक्स HD चैनल के ऊपर ही देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप टेलीविजन पे और OTT पे इस फिल्म को ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। स्ट्रीट डांसर 3D जो 2020 की हिंदी लैंग्वेज डांस फिल्म है, जहाँ पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है रेमो डिसूजा ने। फिल्म के जो डायलॉग्स है वो फरहाद सामजी और जगदीप सिद्धू ने लिखे हुए हैं। स्टोरी आइडिया रेमो डिसूजा का ही था। उसके ऊपर जो स्क्रीन प्ले है वो तुषार हिरनंदानी और जगदीप सिद्धू ने लिखे हुए थे। इसके अलावा प्रोड्यूसर की बात करें तो भूषण कुमार, दिव्या खोसला कुमार, कृष्णा कुमार, लेजल डिसूजा ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। इस फिल्म को करीबन 70 करोड़ के बजट के साथ टी सीरीज रेमो डिसूजा एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था। इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है ए फिल्म्स के पास, यानी कि अनिल थड़ानी के पास। टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी विजय कुमार अरोरा ने की हुई है, एडिटिंग मनन अजय सागर ने की हुई है, जिन्होंने इस फिल्म को 146 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, जहां पे ये फिल्म आपको 2 घंटे के 26 मिनट के आसपास के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी, जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से US सर्टिफिकेट मिला हुआ है। और इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सॉन्ग्स को कंपोज किया हुआ है सचिन जिगर, तनिष बागची, बादशाह, गुरु रंधावा, गुरिंदर सेगल और हर्ष उपाध्याय ने, जिन्होंने अलग अलग गानों को कंपोज किया हुआ है। इस फिल्म में आपको टोटल 12 गाने सुनने को मिलेंगे, जहाँ पे कुछ वर्जन से रिक्रिएट किए हुए, वहीं पे कुछ ओरिजिनल वर्जन से। इसके अलावा इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर के ऊपर बातचीत करें तो वो कंपोज किया हुआ है सचिन जिगर ने। वहीं पे इस फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज ने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स भी खरीदे हुए, जिन्होंने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स अपने पास ही रखे हुए। इसके अलावा इस फिल्म की लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, प्रभु देवा, राघव जुयाल, नोरा फतेह, पुनीत पाठक, सलमान यूसुफ खान, अपार शक्ति खुराना देखने को मिलेंगे, धर्मेश यलांडे, सुशांत पुजारी, सोनम बजवा, मुरली शर्मा, उपासना सिंह, जरीना वहाब, उमेर असंती खलील, मनोज पाहवा, पवन राव, वर्तिका जा, सुशांत खत्री, केशव केवी टूटर, प्रवीण भोसले, श्रेया रॉय, शशांक डोंगरा, द्विवेदिता शर्मा, भूषण, प्रशांत शिंदे, भूपेंद्र सिंह, प्रवीण शिंदे, शीतल पेरी, विनय खंडेलवाल, चांदनी श्रीवास्तव, फ्रेंसिक रफली, कैरोलिना वाइल्ड, एड्रिनो गर्ल, जय हेकिंग, जेसु सोरिया, एंटोनलियन, राज कोहिल आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो ये सभी लोग फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट में है। तो इतने आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में काम किया हुआ है, जहाँ पे एक डांस फिल्म है, इस वजह से फिल्म की सपोर्टिंग और मेन लीड कास्ट भी काफ़ी लंबी है, और सभी का रोल जरूर एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के थ्रू क्रिएट किया हुआ है। प्रोडक्शन के बारे में बातचीत करें तो फिल्म का जो पहला शेड्यूल है वो पंजाब में रखा गया था, जहाँ पे बजवा यानी कि सोनम बजवा, अपार शक्ति खुराना और
वरुण धवन इन लोगों के बीच में वहीं का शेड्यूल शूट किया हुआ था। इसके अलावा फिल्म का सेकंड शेड्यूल को लंदन में सेट किया हुआ था, जहां पे श्रद्धा कपूर और पूरी टीम, नोहरा पते, सभी लोग वहां पे उस शेड्यूल में शामिल थे। एक्चुअली में इस फिल्म में जो श्रद्धा कपूर वाला किरदार है वो कैटरीना कैफ को ऑफर किया गया था। हालांकि श्रद्धा कपूर को जब उस किरदार में लिया गया तब स्टोरी में काफ़ी सारे चेंजेस किए गए थे उस किरदार के रिगार्डिंग, क्योंकि कैटरीना कैफ का जो ऑरा है, जो पर्सनालिटी है, और श्रद्धा कपूर का जो ऑरा और पर्सनालिटी है वो दोनों डिफरेंट है, तो उस हिसाब से सभी चेंजेस किए हुए थे। पहले कैटरीना कैफ को लेकर सभी चीज़ें फाइनलाइज हो चुकी थी, कैटरीना कैफ ही ओरिजिनल चॉइस थी इस फिल्म के लीड एक्ट्रेस के तौर पर, लेकिन कुछ रीजंस के चलते उन्होंने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। उसके बाद में श्रद्धा कपूर को ये रोल ऑफर किया गया, जहाँ पे उनके ये रोल के रिगार्डिंग काफ़ी सारे चेंजेस करते हुए फिल्म में डाला हुआ इस किरदार को। अब हम बात करें फिल्म के फाइनल शेड्यूल की, तो फिल्म का फाइनल शेड्यूल मई 2019 में शूट किया गया था, जहाँ पे उस शेड्यूल के दौरान श्रद्धा कपूर की मसल इंजरी आई हुई थी, उस वजह से फिल्म की शूटिंग को थोड़े लेट रिज्यूम किया गया था और फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट किया हुआ है 26 जुलाई 2019 तक। मार्केटिंग रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म का जो फर्स्ट लुक पोस्टर है वो वरुण धवन वाला के पोस्टर है वो 27 मई को अनवील किया गया था, जहाँ पे फिल्म को फाइनली रिलीज किया गया था 24 जनवरी 2020 को। फिल्म के साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो अलग अलग म्यूजिक कंपोजर के थ्रू गानों को कंपोज करवाया हुआ है। इन गानों को 2018-19 में रिकॉर्ड किया गया था, जिसके ऑडियो राइट्स है वो टी सीरीज के पास है। इसके अलावा 13 फरवरी 2020 को ये सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है। जहाँ पे गानों की ट्रैक लिस्टिंग के बारे में बातचीत करें तो पहला गाना है मुकाबला, जिसके लिरिक्स लिखे हुए शब्बीर अहमद और तनिष बागची ने, म्यूजिक दिया हुआ है तनिष बागची ने, सिंगर थी यास नार्वेकर और परंपरा ठाकुर। दूसरा गाना गर्मी, जिसके लिरिक्स बादशाह ने लिखे हुए थे, म्यूजिक डायरेक्टर भी बादशाह ही थे, सिंगर बादशाह और नेहा कक्कर थी। इन लीगल वेपन वाला जो ट्विन लीगल वेपन 2.0 गाना है, उसके लिरिक्स लिखे हुए प्रिया सरैया ने, म्यूजिक दिया हुआ था तनिष बागची ने, सिंगर थे जासमीन सेंडली और गेरी संधु। चौथा गाना दुआ करो, जिसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए, म्यूजिक सचिन जिगर ने दिया हुआ था, अरिजीत सिंह बोहेमिया और सचिन जिगर ने उसको गाया हुआ है। पांचवा गाना लग दी लाहौर दी, जिसके लिरिक्स गुरु रंधावा ने लिखे हुए थे, म्यूजिक सचिन जिगर और गुरु रंधावा ने दिया हुआ था, गुरु रंधावा और तुलसी क्रोमा ने इस रिक्रिएट वाले वर्जन को गाया हुआ था। हिंदुस्तानी वाला जो गाना है, उसके लिरिक्स लिखे हुए समीर अनजान ने, म्यूजिक दिया हुआ हर्ष उपाध्याय ने, सिंगर थे शंकर महादेवन और उदित नारायण। वहीं पे सातवां गाना बेजुबान कब से, उसके लिरिक्स लिखे हुए जिगर सरैया ने, म्यूजिक दिया हुआ सचिन जिगर ने, सिंगर थे सिद्धार्थ बसरूर, जुबिन नोटियाल और सचिन जिगर। आठवां गाना पिंड, जिसके लिरिक्स लिखे हुए कुणाल वर्मा ने, म्यूजिक दिया हुआ गुरिंदर सेगल ने, वहीं पे गाया हुआ गुरिंदर सेगल ने ही। नौवां गाना नाची नाची, जिसके लिरिक्स मिलिंद गाबा ने और असली गोल्ड ने लिखे हुए, म्यूजिक दिया हुआ सचिन जिगर ने, गाया हुआ है नीति मोहन, ध्वनि भानुशाली, मिलिंद गाबा। दसवां गाना गन देवा, जिसके से लिरिक्स लिखे हुए भार्गव पुरोहित ने, म्यूजिक दिया हुआ सचिन जिगर ने, गाया हुआ दिव्य कुमार और सचिन जिगर ने। ग्यारहवा गाना सिप सिप 2.0, जिसके लिरिक्स लिखे हुए गेरी संधु ने और कुमार ने, म्यूजिक दिया हुआ तनिष बागची ने, गाया हुआ है गेरी संधु और जस्मीन सेंडलास ने। और आखिरी गाना यानी कि मिले सुर, जिसके लिरिक्स लिखे हुए जिगर सरैया, वायु और आईपी सिंह ने, म्यूजिक दिया हुआ है सचिन जिगर ने और गाया हुआ है नवराज हंस, साल मलिक खोलगाड़े, दिव्या कुमार, वायु, शाश्वत सिंह और आईपी सिंह, साथ ही में राकेश मेनी ने। तो ये टोटल 12 गाने जिसको अलग अलग म्यूजिक कंपोजर के थ्रू कंपोज करवाया हुआ है, और ये गाने हिंदी वर्जन में आपको टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे, जिसमें से काफ़ी सारे गाने बड़े ब्लॉकबस्टर साबित हुए, जिसे आप ज़रूर इंजॉय कर पाओगे। अब मैं आपको इस फिल्म के आर्टिस्ट है उसमें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर डिटेलिंग दे देता हूँ। सहेज सिंह नरूला वाला जो रोल है वो वरुण धवन ने प्ले किया हुआ है, जो एक एस्पायरिंग डांसर है जो अपने ब्रदर के फुटस्टेप को फॉलो करता आ रहा हुआ है। श्रद्धा कपूर ने इनायत नाजी का रोल प्ले किया हुआ है, जो पाकिस्तान डांसर है जो अपनी फैमिली से जो डांस कर रही है वो छुपाती आ रही है। प्रभु देवा राम प्रसाद a.k.a. अन्ना के रोल में दिखाई देंगे, जो एक रेस्टोरेंट मैनेजर है।
जो एक सीक्रेट स्किल्ड डांसर है राघव जुयाल, पौडी के रोल में दिखाई देंगे। नोरा फतेही ने नोरा सहेज की गर्लफ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है। पुनीत पाठक ने इंदर सिंह नरूला का रोल प्ले किया हुआ है। सलमान यूसुफ खान से नाजी के रोल में दिखाई देंगे। अपार शक्ति खुराना ने अमरिंदर सिंह का रोल प्ले किया हुआ है। धर्मेश लांडे आपको डी के रोल में दिखाई देंगे, जो सहेज के क्लोज फ्रेंड है। वहीं पे सुशांत पुजारी ने सुशी का रोल प्ले किया हुआ है। सोनम बाजवा ने पम्मी का रोल प्ले किया हुआ है। वर्तिका झा ने समायरा का रोल प्ले किया हुआ है। मुरली शर्मा ने यूके कॉप माइकल डोनाल्ड का रोल प्ले किया हुआ है। उपासना सिंह जसलीन को चड्डा के रोल में दिखाई देंगी। जरीना वहाब ने रणजोत सिंह का रोल प्ले किया हुआ है। उमेरा अशांति खलील ने इस फिल्म में फरीज इनायत का रोल प्ले किया हुआ है। मनोज पहवा छबरा के रोल में दिखाई देंगे। वर्तिका झा ने समायरा का रोल प्ले किया हुआ है। पवन राव ने इस फिल्म में फात का रोल प्ले किया हुआ है। सुशांत खत्री ने छोटू का रोल प्ले किया हुआ है। इस तरह से काफी बड़ी कास्ट है जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट किरदार को प्ले किए हुए। अपने रोल में वो बखूबी काफी शानदार थे। सभी एक्टर ने जो डांस किया हुआ है वो काफी बढ़िया है। उनकी परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है जो फिल्म को और बढ़िया बनाती है। इस फिल्म के डायरेक्टर रेमो डिसूजा ने फिल्म के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है, जहाँ पे कुछ चीजों को काफी बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है। साथ ही में फिल्म एक मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की हुई है, वो भी बढ़िया है। हालांकि स्क्रीन प्ले थोड़ा फिल्म का वीक है, उसे थोड़ा बेटर वे में लिखा जा सकता था। फिल्म के डायलॉग और बेटर वे में लिखे जा सकते थे। स्टोरी आइडिया फिल्म का काफी बढ़िया था। प्रोडक्शन डिजाइन काफी अच्छी थी। फिल्म का काफी हाई बजट के साथ बनाया गया था, जिसके चलते इस फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू आपको आसानी से नजर आएगी। जिसका चलते फिल्म का जो अलग अलग लोकेशन दिखाया हुआ है उसको अच्छी तरह से कैमरा मैन ने शोकेस किया हुआ है। फिल्म का आर्ट डायरेक्शन, कलर टोन, कलर ग्रेडिंग भी बढ़िया है। फिल्म की एडिटिंग अच्छी तरह से की गई। हालांकि फिल्म को 5-10 मिनट जितना और छोटा कर देते तो और बेहतर रहता, जो अननेसेसरी सीन्स थे वो निकल जाते। इसके अलावा जो मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की उसे थोड़ा बेटर वे में एग्जीक्यूट करते तो और अच्छा रहता। सिनेमेटोग्राफी फिल्म की काफी बढ़िया थी। उसी के साथ जो डांस कोरियोग्राफी थी वो काफी शानदार थी। फिल्म के हर एक डांस स्टेप देखने को मिलते वो काफी इंप्रेसिव थे। फिल्म के डांस कोरियोग्राफी इतनी बढ़िया थी जिस वजह से वो सभी चीजें स्क्रीन में देखने में मजा आएगी। म्यूजिक डिपार्टमेंट में काफी शानदार काम देखने को मिलता है, जहाँ पे सॉन्ग बैकग्राउंड स्कोर को काफी बढ़िया तरीके से कंपोज किया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटर ने काफी बढ़िया तरीके से अच्छी रिलीज दिलवाई हुई थी फिल्म की, जिसकी वजह से जब फिल्म को 24 जनवरी 2020 को रिलीज किया गया था, तब फिल्म ने पहले दिन पे काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया, जहाँ पे 9.5 करोड़ के आसपास का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया हुआ था हिंदी लैंग्वेज से इस फिल्म ने। वहीं पे सेकंड डे के ऊपर 12.5 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था। तीसरे दिन फिल्म ने 17 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था और वीकेंड का कलेक्शन करीबन 39 करोड़ के आसपास का पहुँच गया था। एक मिक्स वर्ड ऑफ माउथ के चलते फिल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था, जहाँ पे ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को मिक्स रिस्पॉन्स मिला था। वहीं पर क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को थोड़ा नेगेटिव साइड का रिस्पॉन्स मिला हुआ था, लेकिन फिर भी फिल्म ने 40 करोड़ के आसपास का ओपनिंग वीकेंड लिया हुआ था इंडिया से। और 28 फरवरी 2020 तक फिल्म ने 81 करोड़ 29 लाख का इंडिया से कलेक्शन करके दिखाया, 15 करोड़ 71 लाख का ओवरसीज से ग्रॉस कलेक्शन किया। और इसी के साथ वर्ल्ड वाइड जो ग्रॉस कलेक्शन था वो फिल्म का 97 करोड़ बना, जहां पे फिल्म का बजट करीबन जो था वो 70 करोड़ था। 70 करोड़ के बजट के सामने करीबन 100 करोड़ के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन करते हुए ये फिल्म एक एवरेज हिट का टैग ले गई थी बॉक्स ऑफिस पे, जहाँ पे IMDb पे फिल्म को करीबन 7700 वोट मिले हुए, जिसमें 3.6 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मिक्स रिस्पांस मिलने के बावजूद, मिक्स टू नेगेटिव रिस्पांस मिलने के बावजूद, वरुण धवन और साथ ही में श्रद्धा कपूर का जो फैन बेस है वो काफी हाई लेवल पे क्रिएट हुआ है, जिसके चलते फिल्म ने 70 करोड़ के बजट के सामने 100 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। अब ये फिल्म कौन से OTT सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी उसके ऊपर डिटेलिंग दे देता हूँ। इस फिल्म के जो OTT राइट से वो खरीदे हुए Amazon Prime Video ने, काफी बड़ी रकम देके खरीदे हुए थे। वहीं पे फिल्म के जो सैटेलाइट राइट से वो खरीदे हुए सोनी नेटवर्क वालों ने, और इस फिल्म के म्यूजिक राइट से वो खरीदे हुए टी सीरीज वालों ने। तो ये फिल्म आपको OTT पे Amazon Prime Video के ऊपर स्ट्रीट डांसर 3D के नाम से विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। वहीं पे फिल्म का जो टेलीविजन वाला वर्जन है वो आपको टेलीविजन चैनल सोनी मैक्स और सोनी मैक्स HD के ऊपर स्ट्रीट डांसर 3D के नाम से बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा। फिल्म के गानों को बिल्कुल फ्री में आप टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर एंजॉय कर पाओगे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि स्ट्रीट डांसर 3D फिल्म आपको OTT पे Amazon Prime Video के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। वहीं पे इस फिल्म का सैटेलाइट प्रीमियर आपको सोनी मैक्स और सोनी मैक्स HD चैनल के ऊपर ही देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप टेलीविजन पे और OTT पे इस फिल्म को ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। स्ट्रीट डांसर 3D जो 2020 की हिंदी लैंग्वेज डांस फिल्म है, जहाँ पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है रेमो डिसोजा ने।
फिल्म के जो डायलॉग्स है वो फरहाद सामजी और जगदीप सिद्धू ने लिखे हुए हैं। स्टोरी आइडिया रेमो डिसूजा का ही था। उसके ऊपर जो स्क्रीन प्ले है वो तुषार हिरनंदानी और जगदीप सिद्धू ने लिखे हुए थे। इसके अलावा प्रोड्यूसर की बात करें तो भूषण कुमार, दिव्या खोसला कुमार, कृष्ण कुमार, लेजल डिसूजा ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। इस फिल्म को करीबन 70 करोड़ के बजट के साथ टी सीरीज रेमो डिसूजा एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था। इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है ए फिल्म्स के पास, यानी कि अनिल थड़ानी के पास। टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी विजय कुमार अरोरा ने की हुई है, एडिटिंग मनन अजय सागर ने की हुई है, जिन्होंने इस फिल्म को 146 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, जहां पे ये फिल्म आपको 2 घंटे के 26 मिनट के आसपास के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी, जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है। और इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सॉन्ग्स को कंपोज किया हुआ है सचिन जिगर, तनिष बागची, बादशाह, गुरु रंधावा, गुरिंदर सेगल और हर्ष उपाध्याय ने, जिन्होंने अलग अलग गानों को कंपोज किया हुआ है। इस फिल्म में आपको टोटल 12 गाने सुनने को मिलेंगे, जहाँ पे कुछ वर्जन से रिक्रिएट किए हुए, वहीं पे कुछ ओरिजिनल वर्जन से। इसके अलावा इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर के ऊपर बातचीत करें तो वो कंपोज किया हुआ है सचिन जिगर ने। वहीं पे इस फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज ने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स भी खरीदे हुए, जिन्होंने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स अपने पास ही रखे हुए। इसके अलावा इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, प्रभु देवा, राघव जुयाल, नोरा फतेह, पुनीत पाठक, सलमान यूसुफ खान, अपार शक्ति खुराना देखने को मिलेंगे, धर्मेश यलांडे, सुशांत पुजारी, सोनम बजवा, मुरली शर्मा, उपासना सिंह, जरीना वहाब, उमेर असंती खलील, मनोज पाहवा, पवन राव, वर्तिका जा, सुशांत खत्री, केशव केवी टूटर, प्रवीण भोसले, श्रेया रॉय, शशांक डोंगरा, द्विवेदिता शर्मा, भूषण, प्रशांत शिंदे, भूपेंद्र सिंह, प्रवीण शिंदे, शीतल पेरी, विनय खंडेलवाल, चांदनी श्रीवास्तव, फ्रेंसिक रफली, कैरोलिना वाइल्ड, एड्रिनो गाल, जय हेकिंग, जेसु सोरिया एंटोनलिन, राज कोहिल आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो ये सभी लोग फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट में है। तो इतने आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में काम किया हुआ है, जहाँ पे एक डांस फिल्म है, इस वजह से फिल्म की सपोर्टिंग और मेन लीड कास्ट भी काफ़ी लंबी है और सभी का रोल जरूर एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के थ्रू क्रिएट किया हुआ है। प्रोडक्शन के बारे में बातचीत करें तो फिल्म का जो पहला शेड्यूल है वो पंजाब में रखा गया था, जहाँ पे बजवा यानी कि सोनम बजवा, अपार शक्ति खुराना और वरुण धवन इन लोगों के बीच में वहीं का शेड्यूल शूट किया हुआ था। इसके अलावा फिल्म का सेकंड शेड्यूल को लंदन में सेट किया हुआ था, जहाँ पे श्रद्धा कपूर और पूरी टीम, नोहरा फतेह, सभी लोग वहाँ पे उस शेड्यूल में शामिल थे। एक्चुअली में इस फिल्म में जो श्रद्धा कपूर वाला किरदार है वो कैटरीना कैफ को ऑफर किया गया था। हालांकि श्रद्धा कपूर को जब उस किरदार में लिया गया तब स्टोरी में काफ़ी सारे चेंजेस किए गए थे उस किरदार के रिगार्डिंग, क्योंकि कैटरीना कैफ का जो ऑरा है, जो पर्सनालिटी है, और श्रद्धा कपूर का जो ऑरा और पर्सनालिटी है वो दोनों डिफरेंट है, तो उस हिसाब से सभी चेंजेस किए हुए थे। पहले कैटरीना कैफ को लेकर सभी चीज़ें फाइनलाइज हो चुकी थी, कैटरीना कैफ ही ओरिजिनल चॉइस थी इस फिल्म के लीड एक्ट्रेस के तौर पर, लेकिन कुछ रीजंस के चलते उन्होंने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। उसके बाद में श्रद्धा कपूर को ये रोल ऑफर किया गया, जहाँ पे उनके ये रोल के रिगार्डिंग काफ़ी सारे चेंजेस करते हुए फिल्म में डाला हुआ इस किरदार को। अब हम बात करें फिल्म के फाइनल शेड्यूल की, तो फिल्म का फाइनल शेड्यूल मई 2019 में शूट किया गया था, जहाँ पे उस शेड्यूल के दौरान श्रद्धा कपूर की मसल इंजरी आई हुई थी, उस वजह से फिल्म की शूटिंग को थोड़े लेट रिज्यूम किया गया था और फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट किया हुआ है 26 जुलाई 2019 तक। मार्केटिंग रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म का जो फर्स्ट लुक पोस्टर है वो वरुण धवन वाला पोस्टर है वो 27 मई को अनवील किया गया था, जहाँ पे फिल्म को फाइनली रिलीज किया गया था 24 जनवरी 2020 को। फिल्म के साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो अलग अलग म्यूजिक कंपोजर के थ्रू गानों को कंपोज करवाया हुआ है। इन गानों को 2018-19 में रिकॉर्ड किया गया था, जिसके ऑडियो राइट्स है वो टी सीरीज के पास है। इसके अलावा 13 फरवरी 2020 को ये सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है। जहाँ पे गानों की ट्रैक लिस्टिंग के बारे में बातचीत करें तो पहला गाना है मुकाबला, जिसके लिरिक्स लिखे हुए शब्बीर अहमद और तनिष बागची ने, म्यूजिक दिया हुआ है तनिष बागची ने, सिंगर थी यास नार्वेकर और परंपरा ठाकुर। दूसरा गाना
गर्मी, जिसके लिरिक्स बादशाह ने लिखे हुए थे, म्यूजिक डायरेक्टर भी बादशाह ही थे, सिंगर बादशाह और नेहा कक्कर थी। इन लीगल वेपन वाला जो ट्विन लीगल वेपन 2.0 गाना है, उसके लिरिक्स लिखे हुए प्रिया सरैया ने, म्यूजिक दिया हुआ था तनिष बागची ने, सिंगर थे जासमीन सेंडली और गेरी संधू। चौथा गाना दुआ करो, जिसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए, म्यूजिक सचिन जिगर ने दिया हुआ था, अरिजीत सिंह बोहेमिया और सचिन जिगर ने उसको गाया हुआ है। पांचवा गाना लग दी लाहौर दी, जिसके लिरिक्स गुरु रंधावा ने लिखे हुए थे, म्यूजिक सचिन जिगर और गुरु रंधावा ने दिया हुआ था, गुरु रंधावा और तुलसी क्रोमा ने इस रिक्रिएट वाले वर्जन को गाया हुआ था। हिंदुस्तानी वाला जो गाना है, उसके लिरिक्स लिखे हुए समीर अनजान ने, म्यूजिक दिया हुआ हर्ष उपाध्याय ने, सिंगर थे शंकर महादेवन और उदित नारायण। वहीं पे सातवां गाना बेजुबान कब से, उसके लिरिक्स लिखे हुए जिगर सरैया ने, म्यूजिक दिया हुआ सचिन जिगर ने, सिंगर थे सिद्धार्थ बसरूर, जुबिन नोटियाल और सचिन जिगर। आठवां गाना पिंड, जिसके लिरिक्स लिखे हुए कुणाल वर्मा ने, म्यूजिक दिया हुआ गुरिंदर सेगल ने, वहीं पे गाया हुआ गुरिंदर सेगल ने ही। नौवां गाना नाची नाची, जिसके लिरिक्स मिलिन गाबा ने और असली गोल्ड ने लिखे हुए, म्यूजिक दिया हुआ सचिन जिगर ने, गाया हुआ है नीति मोहन ध्वनि और भानु ध्वनि भानुशाली मिलिन गाबा। दसवां गाना गन देवा, जिसके से लिरिक्स लिखे हुए भार्गव पुरोहित ने, म्यूजिक दिया हुआ सचिन जिगर ने, गाया हुआ दिव्य कुमार और सचिन जिगर ने। ग्यारहवां गाना सिप सिप 2.0, जिसके लिरिक्स लिखे हुए गेरी संधु ने और कुमार ने, म्यूजिक दिया हुआ तनिष बागची ने, गाया हुआ है गेरी संधु और जसमीन सेंडलास ने। और आखिरी गाना यानी कि मिले सुर, जिसके लिरिक्स लिखे हुए जिगर सरैया, वायु और आईपी सिंह ने, म्यूजिक दिया हुआ है सचिन जिगर ने और गाया हुआ है नवराज हंस, साल मलिक खोलगाड़े, दिव्या कुमार, वायु, शाश्वत सिंह और आईपी सिंह, साथ ही में राकेश मेनी ने। तो ये टोटल 12 गाने जिसको अलग अलग म्यूजिक कंपोजर के थ्रू कंपोज करवाया हुआ है। और ये गाने हिंदी वर्जन में आपको टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे, जिसमें से काफी सारे गाने बड़े ब्लॉकबस्टर साबित हुए, जिसे आप जरूर इंजॉय कर पाओगे। अब मैं आपको इस फिल्म के आर्टिस्ट है उसमें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर डिटेलिंग दे देता हूँ। सहेज सिंह नरूला वाला जो रोल है वो वरुण धवन ने प्ले किया हुआ है, जो एक एस्पायरिंग डांसर है जो अपने ब्रदर के फुटस्टेप को फॉलो करता आ रहा हुआ है। श्रद्धा कपूर ने इनायत नाजी का रोल प्ले किया हुआ है, जो पाकिस्तान डांसर है जो अपनी फैमिली से जो डांस कर रही है वो छुपाती आ रही है। प्रभु देवा राम प्रसाद a.k.a. अन्ना के रोल में दिखाई देंगे, जो एक रेस्टोरेंट मैनेजर है, जो एक सीक्रेट स्किल डांसर है। राघव चुयाल पोडी के रोल में दिखाई देंगे, नोरा फतेही ने नोरा सहेज की गर्लफ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है। पुनीत पाठक ने इंदर सिंह नरुला का रोल प्ले किया हुआ है। सलमान यूसुफ खान से नाजी के रोल में दिखाई देंगे। अपार शक्ति खुराना ने अमरिंदर सिंह का रोल प्ले किया हुआ है। धर्मेश येलांडे आपको डी के रोल में दिखाई देंगे, जो सहेज के क्लोज फ्रेंड है। वहीं पे सुशांत पुजारी ने सुशी का रोल प्ले किया हुआ है। सोनम बजवा ने पम्मी का रोल प्ले किया हुआ है। वर्तिका झा ने समयरा का रोल प्ले किया हुआ है। मुरली शर्मा ने यूके कोप माइकल डोनाल्ड का रोल प्ले किया हुआ है। उपासना सिंह जसलिन को चड्ढा के रोल में दिखाई देंगी। जरीना वहाब ने रणजोत सिंह का रोल प्ले किया हुआ है। उमेरा अशांति खलील ने इस फिल्म में फरीज इनायत का रोल प्ले किया हुआ है। मनोज पहवा छबरा के रोल में दिखाई देंगे। वर्तिका झा ने समयरा का रोल प्ले किया हुआ है। पवन राव ने इस फिल्म में फात का रोल प्ले किया हुआ है। सुशांत खत्री ने छोटू का रोल प्ले किया हुआ है। इस तरह से काफी बड़ी कास्ट है जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट किरदार को प्ले किए हुए। अपने रोल में वो बखूबी काफी शानदार थे। सभी एक्टर ने जो डांस किया हुआ है वो काफी बढ़िया है, उनकी परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है, जो फिल्म को और बढ़िया बनाती है। इस फिल्म के डायरेक्टर रेमो डिसूजा ने फिल्म के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है, जहाँ पे कुछ चीजों को काफी बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है। साथ ही में फिल्म एक मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की हुई है, वो भी बढ़िया है। हालांकि स्क्रीन प्ले थोड़ा फिल्म का वीक है, उसे थोड़ा बेटर वे में लिखा जा सकता था। फिल्म के लोग और बेटर वे में लिखे जा सकते थे। स्टोरी आइडिया फिल्म का काफी बढ़िया था। प्रोडक्शन डिजाइन काफी अच्छी थी। फिल्म का काफी हाई बजट के साथ बनाया गया था, जिसके चलते इस फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू आपको आसानी से नजर आएगी। जिसका चलते फिल्म का जो अलग अलग लोकेशन दिखाया हुआ है उसको अच्छी तरह से कैमरा मैन ने शोकेस किया हुआ है। फिल्म का आर्ट डायरेक्शन, कलर टोन, कलर ग्रेडिंग भी बढ़िया है। फिल्म की एडिटिंग अच्छी तरह से की गई। हालांकि फिल्म को 5-10 मिनट जितना और छोटा कर देते तो और बेहतर रहता, जो अननेसेसरी सीन्स थे वो निकल जाते। इसके अलावा जो मैसेज डिलीवर
और करने की कोशिश की, उसे थोड़ा बेटर वे में एग्जीक्यूट करते तो और अच्छा रहता। सिनेमेटोग्राफी फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी, उसी के साथ जो डांस कोरियोग्राफी थी वो काफ़ी शानदार थी। फिल्म के हर एक डांस स्टेप देखने को मिलते वो काफ़ी इंप्रेसिव थे। फिल्म के डांस कोरियोग्राफी इतनी बढ़िया थी जिस वजह से वो सभी चीज़ें स्क्रीन में देखने में मज़ा आएगी। म्यूजिक डिपार्टमेंट में काफ़ी शानदार काम देखने को मिलता है, जहाँ पे सॉन्ग बैकग्राउंड स्कोर को काफ़ी बढ़िया तरीके से कंपोज किया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से अच्छी रिलीज दिलवाई हुई थी फिल्म की, जिसकी वजह से जब फिल्म को 24 जनवरी 2020 को रिलीज किया गया था, तब फिल्म ने पहले दिन पे काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया, जहाँ पे 9.5 करोड़ के आसपास का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया हुआ था हिंदी लैंग्वेज से इस फिल्म ने। वहीं पे सेकंड डे के ऊपर 12.5 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था। तीसरे दिन फिल्म ने 17 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था और वीकेंड का कलेक्शन करीबन 39 करोड़ के आसपास का पहुँच गया था। एक मिक्स वर्ड ऑफ माउथ के चलते फिल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था, जहाँ पे ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को मिक्स रिस्पॉन्स मिला था। वहीं पर क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को थोड़ा नेगेटिव साइड का रिस्पॉन्स मिला हुआ था, लेकिन फिर भी फिल्म ने 40 करोड़ के आसपास का ओपनिंग वीकेंड लिया हुआ था इंडिया से। और 28 फरवरी 2020 तक फिल्म ने 81 करोड़ 29 लाख का इंडिया से कलेक्शन करके दिखाया, 15 करोड़ 71 लाख का ओवरसीज से ग्रॉस कलेक्शन किया, और इसी के साथ वर्ल्ड वाइड जो ग्रॉस कलेक्शन था वो फिल्म का 97 करोड़ बना, जहाँ पे फिल्म का बजट करीबन जो था वो 70 करोड़ था। 70 करोड़ के बजट के सामने करीबन 100 करोड़ के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन करते हुए ये फिल्म एक एवरेज हिट का टैग ले गई थी बॉक्स ऑफिस पे, जहाँ पे IMDb पे फिल्म को करीबन 7700 वोट मिले हुए, जिसमें 3.6 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मिक्स रिस्पांस मिलने के बावजूद, मिक्स टू नेगेटिव रिस्पांस मिलने के बावजूद, वरुण धवन और साथ ही में श्रद्धा कपूर का जो फैन बेस है वो काफी हाई लेवल पे क्रिएट हुआ है, जिसके चलते फिल्म ने 70 करोड़ के बजट के सामने 100 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। अब ये फिल्म कौन से OTT सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी उसके ऊपर डिटेलिंग दे देता हूँ। इस फिल्म के जो OTT राइट्स है वो खरीदे हुए Amazon प्राइम वीडियो ने काफी बड़ी रकम देके खरीदे हुए थे। वहीं पे फिल्म के जो सैटेलाइट राइट्स है वो खरीदे हुए सोनी नेटवर्क वालों ने, और इस फिल्म के म्यूजिक राइट्स है वो खरीदे हुए टी सीरीज वालों ने। तो ये फिल्म आपको OTT पे Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर स्ट्रीट डांसर 3D के नाम से विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। वहीं पे फिल्म का जो टेलीविजन वाला वर्जन है वो आपको टेलीविजन चैनल सोनी मैक्स और सोनी मैक्स HD के ऊपर स्ट्रीट डांसर 3D के नाम से बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा। फिल्म के गानों को बिल्कुल फ्री में आप टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इंजॉय कर पाओगे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि स्ट्रीट डांसर 3D फिल्म आपको OTT पे Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। वहीं पे इस फिल्म का सैटेलाइट प्रीमियर आपको सोनी मैक्स और सोनी मैक्स HD चैनल के ऊपर ही देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप टेलीविजन पे और OTT पे इस फिल्म को ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे। स्ट्रीट डांसर 3D जो 2020 की हिंदी लैंग्वेज डांस फिल्म है, जहाँ पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है रेमो डिसोजा ने। फिल्म के जो डायलॉग्स है वो फरहाद सामजी और जगदीप सिद्धू ने लिखे हुए हैं। स्टोरी आइडिया रेमो डिसूजा का ही था, उसके ऊपर जो स्क्रीन प्ले है वो तुषार हिरनंदानी और जगदीप सिद्धू ने लिखे हुए थे। इसके अलावा प्रोड्यूसर की बात करें तो भूषण कुमार, दिव्या खोसला कुमार, कृष्णा कुमार, लेजल डिसूजा ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। इस फिल्म को करीबन 70 करोड़ के बजट के साथ टी सीरीज रेमो डिसूजा एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था। इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है ए फिल्म्स के पास, यानी कि अनिल थड़ानी के पास। टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी विजय कुमार अरोरा ने की हुई है, एडिटिंग मनन अजय सागर ने की हुई है, जिन्होंने इस फिल्म को 146 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, जहां पे ये फिल्म आपको 2 घंटे के 26 मिनट के आसपास के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी, जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से US सर्टिफिकेट मिला हुआ है। और इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सॉन्ग्स को कंपोज किया हुआ है सचिन जिगर, तनिष बागची, बादशाह, गुरु रंधावा, गुरिंदर सेगल और हर्ष उपाध्याय ने, जिन्होंने अलग अलग गानों को कंपोज किया हुआ है। इस फिल्म में आपको टोटल 12 गाने सुनने को मिलेंगे, जहां पे कुछ वर्जन से रिक्रिएट किए हुए, वहीं पे कुछ ओरिजिनल वर्जन से। इसके अलावा इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर के ऊपर बातचीत करें तो वो कंपोज किया हुआ है सचिन जिगर ने। वहीं पे इस फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज ने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स भी खरीदे हुए, जिन्होंने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स अपने पास ही रखे हुए। इसके अलावा इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, प्रभु देवा, राघव जुयाल, नोरा फतेह, पुनीत पाठक, सलमान यूसुफ खान, अपार शक्ति खुराना देखने को मिलेंगे, धर्मेश ये लांडे, सुशांत पुजारी, सोनम बजवा, मुरली शर्मा
उपासना सिंह, जरीना वहाब, उमेर असंती खलील, मनोज पाहवा, पवन राव, वर्तिका जा, सुशांत खत्री, केशव केवी टूटर, प्रवीण भोसले, श्रेया रॉय, शशांक दोंगरा, द्विवेदिता शर्मा, भूषण, प्रशांत शिंदे, भूपेंद्र सिंह, प्रवीण शिंदे, शीतल पेरी, विनय खंडेलवाल, चांदनी श्रीवास्तव, फ्रेंसिक रफली, कैरोलिना वाइल्ड, एड्रिनो गाल, जय हेकिंग, जेसु सूर्य, एंटोन लेन, राज कोहिल आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो ये सभी लोग फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट में है। तो इतने आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में काम किया हुआ है। जहाँ पे एक डांस फिल्म है, इस वजह से फिल्म की सपोर्टिंग और मेन लीड कास्ट भी काफ़ी लंबी है और सभी का रोल ज़रूर एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के थ्रू क्रिएट किया हुआ है। प्रोडक्शन के बारे में बातचीत करें तो फिल्म का जो पहला शेड्यूल है वो पंजाब में रखा गया था, जहाँ पे बजवा यानी कि सोनम बजवा, अपाशक्ति खुराना और वरुण धवन इन लोगों के बीच में वहीं का शेड्यूल शूट किया हुआ था। इसके अलावा फिल्म का सेकंड शेड्यूल को लंदन में सेट किया हुआ था, जहाँ पे श्रद्धा कपूर और पूरी टीम, नोहरा पते, सभी लोग वहाँ पे उस शेड्यूल में शामिल थे। एक्चुअली में इस फिल्म में जो श्रद्धा कपूर वाला किरदार है वो कैटरीना कैफ को ऑफर किया गया था। हालांकि श्रद्धा कपूर को जब उस किरदार में लिया गया तब स्टोरी में काफ़ी सारे चेंजेस किए गए थे उस किरदार के रिगार्डिंग, क्योंकि कैटरीना कैफ का जो ऑरा है, जो पर्सनालिटी है, और श्रद्धा कपूर का जो ऑरा और पर्सनालिटी है वो दोनों डिफरेंट है। तो उस हिसाब से सभी चेंजेस किए हुए थे। पहले कैटरीना कैफ को लेकर सभी चीज़ें फाइनलाइज हो चुकी थी, कैटरीना कैफ ही ओरिजिनल चॉइस थी इस फिल्म के लीड एक्ट्रेस के तौर पर, लेकिन कुछ रीजंस के चलते उन्होंने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। उसके बाद में श्रद्धा कपूर को ये रोल ऑफर किया गया, जहाँ पे उनके ये रोल के रिगार्डिंग काफ़ी सारे चेंजेस करते हुए फिल्म में डाला हुआ इस किरदार को। अब हम बात करें फिल्म के फाइनल शेड्यूल की, तो फिल्म का फाइनल शेड्यूल मई 2019 में शूट किया गया था, जहाँ पे उस शेड्यूल के दौरान श्रद्धा कपूर की मसल इंजरी आई हुई थी, उस वजह से फिल्म की शूटिंग को थोड़े लेट रिज्यूम किया गया था और फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट किया हुआ है 26 जुलाई 2019 तक। मार्केटिंग रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म का जो फर्स्ट लुक पोस्टर है वो वरुण धवन वाला के पोस्टर है वो 27 मई को अनवील किया गया था, जहाँ पे फिल्म को फाइनली रिलीज किया गया था 24 जनवरी 2020 को। फिल्म के साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो अलग अलग म्यूजिक कंपोजर के थ्रू गानों को कंपोज करवाया हुआ है। इन गानों को 2018-19 में रिकॉर्ड किया गया था, जिसके ऑडियो राइट्स है वो टी सीरीज के पास है। इसके अलावा 13 फरवरी 2020 को ये सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है। जहाँ पे गानों की ट्रैक लिस्टिंग के बारे में बातचीत करें तो पहला गाना है मुकाबला, जिसके लिरिक्स लिखे हुए शब्बीर अहमद और तनिष बागची ने, म्यूजिक दिया हुआ है तनिष बागची ने, सिंगर थी यास नार्वेकर और परंपरा ठाकुर। दूसरा गाना गर्मी, जिसके लिरिक्स बादशाह ने लिखे हुए थे, म्यूजिक डायरेक्टर भी बादशाह ही थे, सिंगर बादशाह और नेहा कक्कर थी। इन लीगल वेपन वाला जो ट्विन लीगल वेपन 2.0 गाना है, उसके लिरिक्स लिखे हुए प्रिया सरैया ने, म्यूजिक दिया हुआ था तनिष बागची ने, सिंगर थे जैस्मिन सेंडली और गेरी संधु। चौथा गाना दुआ करो, जिसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए, म्यूजिक सचिन जिगर ने दिया हुआ था, अरिजीत सिंह, बोहेमिया और सचिन जिगर ने उसको गाया हुआ है। पांचवा गाना लग दी लाहौर दी, जिसके लिरिक्स गुरु रंधावा ने लिखे हुए थे, म्यूजिक सचिन जिगर और गुरु रंधावा ने दिया हुआ था, गुरु रंधावा और तुलसी क्रोमा ने इस रिक्रिएट वाले वर्जन को गाया हुआ था। हिंदुस्तानी वाला जो गाना है, उसके लिरिक्स लिखे हुए समीर अनजान ने, म्यूजिक दिया हुआ हर्ष उपाध्याय ने, सिंगर थे शंकर महादेवन और उदित नारायण। वहीं पे सातवां गाना बेजुबान कब से, उसके लिरिक्स लिखे हुए जिगर सरैया ने, म्यूजिक दिया हुआ सचिन जिगर ने, सिंगर थे सिद्धार्थ बसरूर, जुबिन नोटियाल और सचिन जिगर। आठवां गाना पिंड, जिसके लिरिक्स लिखे हुए कुणाल वर्मा ने, म्यूजिक दिया हुआ गुरिंदर सेगल ने, वहीं पे गाया हुआ गुरिंदर सेगल ने ही। नौवां गाना नाची नाची, जिसके लिरिक्स मिलिन गाबा ने और असली गोल्ड ने लिखे हुए, म्यूजिक दिया हुआ सचिन जिगर ने, गाया हुआ है नीति मोहन ध्वनि और भानुशाली मिलिन गाबा। दसवां गाना गन देवा, जिसके से लिरिक्स लिखे हुए भार्गव पुरोहित ने, म्यूजिक दिया हुआ सचिन जिगर ने, गाया हुआ दिव्य कुमार और सचिन जिगर ने। ग्यारहवा गाना सिप सिप 2.0, जिसके लिरिक्स लिखे हुए गेरी संधू ने और कुमार ने, म्यूजिक दिया हुआ तनिष बागची ने, गाया हुआ है गेरी संधू और जसमीन सेंडलास ने।
और आखिरी गाना यानी कि मिले सुर, जिसके लिरिक्स लिखे हुए जिगर सरैया, वायु और आईपी सिंह ने, म्यूजिक दिया हुआ है सचिन जिगर ने, और गाया हुआ है नवराज हंस, साल मलिक खोलगाड़े, दिव्या कुमार, वायु, शाश्वत सिंह और आईपी सिंह, साथ ही में राकेश मेनी ने। तो ये टोटल 12 गाने जिसको अलग अलग म्यूजिक कंपोजर के थ्रू कंपोज करवाया हुआ है। और ये गाने हिंदी वर्जन में आपको टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे, जिसमें से काफी सारे गाने बड़े ब्लॉकबस्टर साबित हुए, जिसे आप जरूर इंजॉय कर पाओगे। अब मैं आपको इस फिल्म के आर्टिस्ट है उसमें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर डिटेलिंग दे देता हूँ। सहेज सिंह नरूला वाला जो रोल है वो वरुण धवन ने प्ले किया हुआ है, जो एक एस्पायरिंग डांसर है जो अपने ब्रदर के फुटस्टेप को फॉलो करता आ रहा हुआ है। श्रद्धा कपूर ने इनायत नाजी का रोल प्ले किया हुआ है, जो पाकिस्तान डांसर है जो अपनी फैमिली से जो डांस कर रही है वो छुपाती आ रही है। प्रभु देवा, राम प्रसाद a.k.a. अन्ना के रोल में दिखाई देंगे, जो एक रेस्टोरेंट मैनेजर है जो एक सीक्रेट स्किल डांसर है। राघव जुयाल पौड़ी के रोल में दिखाई देंगे, नोरा फतेही ने नोरा सहेज की गर्लफ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है। पुनीत पाठक ने इंदर सिंह नरुला का रोल प्ले किया हुआ है। सलमान यूसुफ खान से नाजी के रोल में दिखाई देंगे। अपार शक्ति खुराना ने अमरिंदर सिंह का रोल प्ले किया हुआ है। धर्मेश येलांडे आपको डी के रोल में दिखाई देंगे, जो सहेज के क्लोज फ्रेंड है। वहीं पे सुशांत पुजारी ने सुशी का रोल प्ले किया हुआ है। सोनम बजवा ने पम्मी का रोल प्ले किया हुआ है। वर्तिका झा ने समायरा का रोल प्ले किया हुआ है। मुरली शर्मा ने यूके कोप माइकल डोनाल्ड का रोल प्ले किया हुआ है। उपासना सिंह जसलिन को चड्ढा के रोल में दिखाई देंगी। जरीना वहाब ने रणजोत सिंह का रोल प्ले किया हुआ है। उमेरा अशांति खलील ने इस फिल्म में फरीज इनायत का रोल प्ले किया हुआ है। मनोज पहवा छबरा के रोल में दिखाई देंगे। वर्तिका झा ने समायरा का रोल प्ले किया हुआ है। पवन राव ने इस फिल्म में फात का रोल प्ले किया हुआ है। सुशांत खत्री ने छोटू का रोल प्ले किया हुआ है। इस तरह से काफी बड़ी कास्ट है जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट किरदार को प्ले किए हुए। अपने रोल में वो बखूबी काफी शानदार थे। सभी एक्टर ने जो डांस किया हुआ है वो काफी बढ़िया है, उनकी परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है जो फिल्म को और बढ़िया बनाती है। इस फिल्म के डायरेक्टर रेमो डिसूजा ने फिल्म के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है, जहाँ पे कुछ चीजों को काफी बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है। साथ में फिल्म एक मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की हुई है वो भी बढ़िया है। हालांकि स्क्रीन प्ले थोड़ा फिल्म का वीक है, उसे थोड़ा बेटर वे में लिखा जा सकता था। फिल्म के लोग और बेटर वे में लिखे जा सकते थे। स्टोरी आइडिया फिल्म का काफी बढ़िया था। प्रोडक्शन डिजाइन काफी अच्छी थी। फिल्म का काफी हाई बजट के साथ बनाया गया था, जिसके चलते इस फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू आपको आसानी से नजर आएगी। जिसका चलते फिल्म का जो अलग अलग लोकेशन दिखाया हुआ है उसको अच्छी तरह से कैमरा मैन ने शोकेस किया हुआ है। फिल्म का आर्ट डायरेक्शन, कलर टोन, कलर ग्रेडिंग भी बढ़िया है। फिल्म की एडिटिंग अच्छी तरह से की गई। हालांकि फिल्म को 5-10 मिनट जितना और छोटा कर देते तो और बेहतर रहता, जो अननेसेसरी सीन्स थे वो निकल जाते। इसके अलावा जो मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की उसे थोड़ा बेटर वे में एग्जीक्यूट करते तो और अच्छा रहता। सिनेमेटोग्राफी फिल्म की काफी बढ़िया थी, उसी के साथ जो डांस कोरियोग्राफी थी वो काफी शानदार थी। फिल्म के हर एक डांस स्टेप देखने को मिलते वो काफी इंप्रेसिव थे। फिल्म के डांस कोरियोग्राफी इतनी बढ़िया थी जिस वजह से वो सभी चीजें स्क्रीन में देखने में मजा आएगी। म्यूजिक डिपार्टमेंट में काफी शानदार काम देखने को मिलता है, जहाँ पे सॉन्ग बैकग्राउंड स्कोर को काफी बढ़िया तरीके से कंपोज किया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटर ने काफी बढ़िया तरीके से अच्छी रिलीज दिलवाई हुई थी फिल्म की, जिसकी वजह से जब फिल्म को 24 जनवरी 2020 को रिलीज किया गया था तब फिल्म ने पहले दिन पे काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया, जहाँ पे 9.5 करोड़ के आसपास का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया हुआ था हिंदी लैंग्वेज से इस फिल्म ने। वहीं पे सेकंड डे के ऊपर 12.5 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था। तीसरे दिन फिल्म ने 17 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था और वीकेंड का कलेक्शन करीबन 39 करोड़ के आसपास का पहुँच गया था। एक मिक्स वर्ड ऑफ माउथ के चलते फिल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था, जहाँ पे ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को मिक्स रिस्पॉन्स मिला था। वहीं पे क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को थोड़ा नेगेटिव साइड का रिस्पॉन्स मिला हुआ था, लेकिन फिर भी फिल्म ने 40 करोड़ के आसपास का ओपनिंग वीकेंड लिया हुआ था इंडिया से। और 28 फरवरी 2020 तक फिल्म ने 81 करोड़ 29 लाख का इंडिया से कलेक्शन करके दिखाया, 15 करोड़ 71 लाख का ओवरसीज से ग्रॉस कलेक्शन किया। और इसी के साथ वर्ल्ड वाइड जो ग्रॉस कलेक्शन था वो फिल्म का 97 करोड़ बना, जहां पे फिल्म का बजट करीबन जो था वो 70 करोड़ था। 70 करोड़ के बजट के सामने करीबन 100 करोड़ के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन करते हुए ये फिल्म एक एवरेज हिट का टैग ले गई थी बॉक्स ऑफिस पे, जहाँ पे IMDb पे फिल्म को करीबन 7700 वोट मिले हुए, जिसमें 3.6 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। तो इसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मिक्स रिस्पांस मिलने के बावजूद, मिक्स टू नेगेटिव रिस्पांस मिलने के बावजूद, वरुण धवन और साथ ही में श्रद्धा कपूर का जो फैन बेस है वो काफी हाई लेवल पे क्रिएट हुआ है, जिसके चलते फिल्म ने 70 करोड़ के बजट के सामने 100 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। अब ये फिल्म कौन से OTT सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी उसके ऊपर डिटेलिंग दे देता हूँ। इस फिल्म के जो OTT राइट्स है
वो खरीदे हुए अमेजोन प्राइम वीडियो ने, काफी बड़ी रकम देके खरीदे हुए थे। वहीं पे फिल्म के जो सेटेलाइट राइट्स है वो खरीदे हुए सोनी नेटवर्क वालों ने, और इस फिल्म के म्यूजिक राइट्स है वो खरीदे हुए टी सीरीज वालों ने। तो ये फिल्म आपको OTT पे अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर स्ट्रीट डांसर 3D के नाम से विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। वहीं पे फिल्म का जो टेलीविजन वाला वर्जन है वो आपको टेलीविजन चैनल सोनी मैक्स और सोनी मैक्स HD के ऊपर स्ट्रीट डांसर 3D के नाम से बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा। फिल्म के गानों को बिल्कुल फ्री में आप टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर एंजॉय कर पाओगे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि स्ट्रीट डांसर 3D फिल्म आपको OTT पे Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। वहीं पे इस फिल्म का सेटेलाइट प्रीमियर आपको सोनी मैक्स और सोनी मैक्स HD चैनल के ऊपर ही देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप टेलीविजन पे और OTT पे इस फिल्म को ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे। स्ट्रीट डांसर 3D जो 2020 की हिंदी लैंग्वेज डांस फिल्म है, जहाँ पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है रेमो डिसोजा ने। फिल्म के जो डायलॉग्स है वो फरहाद सामजी और जगदीप सिद्धू ने लिखे हुए हैं। स्टोरी आइडिया रेमो डिसूजा का ही था। उसके ऊपर जो स्क्रीन प्ले है वो तुषार हिरनंदानी और जगदीप सिद्धू ने लिखे हुए थे। इसके अलावा प्रोड्यूसर की बात करें तो भूषण कुमार, दिव्या खोसला कुमार, कृष्णा कुमार, लेजल डिसूजा ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। इस फिल्म को करीबन 70 करोड़ के बजट के साथ टी सीरीज रेमो डिसूजा एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था। इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है ए फिल्म्स के पास, यानी कि अनिल थड़ानी के पास। टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी विजय कुमार अरोरा ने की हुई है, एडिटिंग मनन अजय सागर ने की हुई है, जिन्होंने इस फिल्म को 146 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, जहां पे ये फिल्म आपको 2 घंटे के 26 मिनट के आसपास के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी, जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से US सर्टिफिकेट मिला हुआ है। और इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सॉन्ग्स को कंपोज किया हुआ है सचिन जिगर, तनिष बागची, बादशाह, गुरु रंधावा, गुरिंदर सेगल और हर्ष उपाध्याय ने, जिन्होंने अलग अलग गानों को कंपोज किया हुआ है। इस फिल्म में आपको टोटल 12 गाने सुनने को मिलेंगे, जहां पे कुछ वर्जन से रिक्रिएट किए हुए, वहीं पे कुछ ओरिजिनल वर्जन से। इसके अलावा इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर के ऊपर बातचीत करें तो वो कंपोज किया हुआ है सचिन जिगर ने। वहीं पे इस फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज ने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स भी खरीदे हुए, जिन्होंने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स अपने पास ही रखे हुए। इसके अलावा इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, प्रभु देवा, राघव जुयाल, नोरा फतेह, पुनीत पाठक, सलमान यूसुफ खान, अपार शक्ति खुराना देखने को मिलेंगे, धर्मेश यलांडे, सुशांत पुजारी, सोनम बजवा, मुरली शर्मा, उपासना सिंह, जरीना वहाब, उमेर असंति खलील, मनोज पाहवा, पवन राव, वर्तिका जा, सुशांत खत्री, केशव केवी टूटर, प्रवीण भोसले, श्रेयाज रॉय, शशांक डोंगरा, द्विवेदिता शर्मा, भूषण, प्रशांत शिंदे, भूपेंद्र सिंह, प्रवीण शिंदे, शीतल पेरी, विनय खंडेलवाल, चांदनी श्रीवास्तव, फ्रेंसिक रफली, कैरोलिना वाइल्ड, एड्रिनो गाल, जय हेकिंग, जेसू सोरिया एंटोनलियन, राज कोहिल आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो ये सभी लोग फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट में है। तो इतने आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में काम किया हुआ है, जहाँ पे एक डांस फिल्म है, इस वजह से फिल्म की सपोर्टिंग और मेन लीड कास्ट भी काफ़ी लंबी है, और सभी का रोल ज़रूर एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के थ्रू क्रिएट किया हुआ है। प्रोडक्शन के बारे में बातचीत करें तो फिल्म का जो पहला शेड्यूल है वो पंजाब में रखा गया था, जहाँ पे बजवा यानी कि सोनम बजवा, अपार शक्ति खुराना और वरुण धवन इन लोगों के बीच में वहीं का शेड्यूल शूट किया हुआ था। इसके अलावा फिल्म का सेकंड शेड्यूल को लंदन में सेट किया हुआ था, जहाँ पे श्रद्धा कपूर और पूरी टीम, नोहरा फतेह, सभी लोग वहाँ पे उस शेड्यूल में शामिल थे। एक्चुअली में इस फिल्म में जो श्रद्धा कपूर वाला किरदार है वो कैटरीना कैफ को ऑफर किया गया था। हालांकि श्रद्धा कपूर को जब उस किरदार में लिया गया तब स्टोरी में काफ़ी सारे चेंजेस किए गए थे उस किरदार के रिगार्डिंग, क्योंकि कैटरीना कैफ का जो ओरा है, जो पर्सनालिटी है, और श्रद्धा कपूर का जो ओरा और पर्सनालिटी है वो दोनों डिफरेंट है, तो उस हिसाब से सभी चेंजेस किए हुए थे। पहले कैटरीना कैफ को लेकर सभी चीज़ें फाइनलाइज हो चुकी थी, कैटरीना कैफ ही ओरिजिनल चॉइस थी इस फिल्म के लीड एक्ट्रेस के तौर पर, लेकिन कुछ रीजंस के चलते उन्होंने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। उसके बाद में श्रद्धा कपूर को ये रोल ऑफर किया गया, जहाँ पे उनके ये रोल के रिगार्डिंग काफ़ी सारे चेंजेस करते हुए फिल्म में डाला हुआ इस किरदार को।
अब हम बात करें फिल्म के फाइनल शेड्यूल की, तो फिल्म का फाइनल शेड्यूल मई 2019 में शूट किया गया था, जहां पे उस शेड्यूल के दौरान श्रद्धा कपूर की मसल इंजरी आई हुई थी, उस वजह से फिल्म की शूटिंग को थोड़ी लेट रिज्यूम किया गया था और फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट किया हुआ है 26 जुलाई 2019 तक। मार्केटिंग रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म का जो फर्स्ट लुक पोस्टर है वो वरुण धवन वाला पोस्टर है, वो 27 मई को अनवील किया गया था, जहाँ पे फिल्म को फाइनली रिलीज किया गया था 24 जनवरी 2020 को। फिल्म के साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो अलग अलग म्यूजिक कंपोजर के थ्रू गानों को कंपोज करवाया हुआ है। इन गानों को 2018-19 में रिकॉर्ड किया गया था, जिसके ऑडियो राइट्स है वो टी सीरीज के पास है। इसके अलावा 13 फरवरी 2020 को ये सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है। जहाँ पे गानों की ट्रैक लिस्टिंग के बारे में बातचीत करें तो पहला गाना है मुकाबला, जिसके लिरिक्स लिखे हुए शब्बीर अहमद और तनिष बागची ने, म्यूजिक दिया हुआ है तनिष बागची ने, सिंगर थी यास नार्वेकर और परंपरा ठाकुर। दूसरा गाना गर्मी, जिसके लिरिक्स बादशाह ने लिखे हुए थे, म्यूजिक डायरेक्टर भी बादशाह ही थे, सिंगर बादशाह और नेहा कक्कर थी। इन लीगल वेपन वाला जो ट्विन लीगल वेपन 2.0 गाना है, उसके लिरिक्स लिखे हुए प्रिया सरैया ने, म्यूजिक दिया हुआ था तनिष बागची ने, सिंगर थे जासमीन सेंडली और गेरी संधू। चौथा गाना दुआ करो, जिसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए, म्यूजिक सचिन जिगर ने दिया हुआ था, अरिजीत सिंह बोहेमिया और सचिन जिगर ने उसको गाया हुआ है। पांचवा गाना लग दी लाहौर दी, जिसके लिरिक्स गुरु रंधावा ने लिखे हुए थे, म्यूजिक सचिन जिगर और गुरु रंधावा ने दिया हुआ था, गुरु रंधावा और तुलसी क्रोमा ने इस रिक्रिएट वाले वर्जन को गाया हुआ था। हिंदुस्तानी वाला जो गाना है, उसके लिरिक्स लिखे हुए समीर अनजान ने, म्यूजिक दिया हुआ हर्ष उपाध्याय ने, सिंगर थे शंकर महादेवन और उदित नारायण। वहीं पे सातवां गाना बेजुबान कब से, उसके लिरिक्स लिखे हुए जिगर सरैया ने, म्यूजिक दिया हुआ सचिन जिगर ने, सिंगर थे सिद्धार्थ बसरूर, जुबिन नोटियाल और सचिन जिगर। आठवां गाना पिंड, जिसके लिरिक्स लिखे हुए कुणाल वर्मा ने, म्यूजिक दिया हुआ गुरिंदर सेगल ने, वहीं पे गाया हुआ गुरिंदर सेगल ने ही। नौवां गाना नाची नाची, जिसके लिरिक्स मिलिन गाबा ने और असली गोल्ड ने लिखे हुए, म्यूजिक दिया हुआ सचिन जिगर ने, गाया हुआ है नीति मोहन ध्वनि और भानु ध्वनि भानुशाली मिलिन गाबा। दसवां गाना गन देवा, जिसके से लिरिक्स लिखे हुए भार्गव पुरोहित ने, म्यूजिक दिया हुआ सचिन जिगर ने, गाया हुआ दिव्य कुमार और सचिन जिगर ने। 11वां गाना सिप सिप 2.0, जिसके लिरिक्स लिखे हुए गेरी संधू ने और कुमार ने, म्यूजिक दिया हुआ तनिष बागची ने, गाया हुआ है गेरी संधू और जसमीन सेंडलास ने। और आखिरी गाना यानी कि मिले सुर, जिसके लिरिक्स लिखे हुए जिगर सरैया, वायु और आईपी सिंह ने, म्यूजिक दिया हुआ है सचिन जिगर ने और गाया हुआ है नवराज हंस, साल मलिक खोलगाड़े, दिव्या कुमार, वायु, शाश्वत सिंह और आईपी सिंह, साथ ही में राकेश मेनी ने। तो ये टोटल 12 गाने जिसको अलग अलग म्यूजिक कंपोजर के थ्रू कंपोज करवाया हुआ है। और ये गाने हिंदी वर्जन में आपको टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे, जिसमें से काफी सारे गाने बड़े ब्लॉकबस्टर साबित हुए, जिसे आप जरूर इंजॉय कर पाओगे। अब मैं आपको इस फिल्म के आर्टिस्ट है उसमें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर डिटेलिंग दे देता हूँ। सहेज सिंह नरूला वाला जो रोल है वो वरुण धवन ने प्ले किया हुआ है, जो एक एस्पायरिंग डांसर है जो अपने ब्रदर के फुटस्टेप को फॉलो करता आ रहा हुआ है। श्रद्धा कपूर ने इनायत नाजी का रोल प्ले किया हुआ है, जो पाकिस्तान डांसर है जो अपनी फैमिली से जो डांस कर रही है वो छुपाती आ रही है। प्रभु देवा राम प्रसाद a.k.a. अन्ना के रोल में दिखाई देंगे, जो एक रेस्टोरेंट मैनेजर है जो एक सीक्रेट स्किल डांसर है। राघव जुयाल पौड़ी के रोल में दिखाई देंगे, नोरा फतेही ने नोरा सहेज की गर्लफ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है। पुनीत पाठक ने इंदर सिंह नरुला का रोल प्ले किया हुआ है। सलमान यूसुफ खान से नाजी के रोल में दिखाई देंगे। अपार शक्ति खुराना ने अमरिंदर सिंह का रोल प्ले किया हुआ है। धर्मेश येलांडे आपको डी के रोल में दिखाई देंगे, जो सहेज के क्लोज फ्रेंड है। वहीं पे सुशांत पुजारी ने सुशी का रोल प्ले किया हुआ है। सोनम बजवा ने पम्मी का रोल प्ले किया हुआ है। वर्तिका झा ने समायरा का रोल प्ले किया हुआ है। मुरली शर्मा ने यूके कोप माइकल डोनाल्ड का रोल प्ले किया हुआ है। उपासना सिंह जसलिन को चड्डा के रोल में दिखाई देंगी। जरीना वहाब ने रणजोत सिंह का रोल प्ले किया हुआ है। उमेरा अशांति खलील ने इस फिल्म में फरीज इनायत का रोल प्ले किया हुआ है। मनोज पहवा छबरा के रोल में दिखाई देंगे। वर्तिका झा ने समायरा का रोल प्ले किया हुआ है। पवन राव ने इस फिल्म में फात का रोल प्ले किया हुआ है। सुशांत खत्री ने छोटू का रोल प्ले किया हुआ है। इस तरह से काफी बड़ी कास्ट है जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट किरदार को प्ले किए हुए। अपने रोल में वो बखूबी काफी शानदार थे। सभी एक्टर ने जो डांस किया हुआ है वो काफी बढ़िया है, उनकी परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है, जो फिल्म को और बढ़िया बनाती।
थी। इस फिल्म के डायरेक्टर रेमो डिसूजा ने फिल्म के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है, जहाँ पे कुछ चीज़ों को काफ़ी बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है। साथ में फिल्म एक मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की हुई है, वो भी बढ़िया है। हालांकि स्क्रीन प्ले थोड़ा फिल्म का वीक है, उसे थोड़ा बेटर वे में लिखा जा सकता था, फिल्म के डायलॉग और बेटर वे में लिखे जा सकते थे। स्टोरी आइडिया फिल्म का काफ़ी बढ़िया था। प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी अच्छी थी, फिल्म का काफ़ी हाई बजट के साथ बनाया गया था, जिसके चलते इस फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू आपको आसानी से नजर आएगी, जिसका चलते फिल्म का जो अलग अलग लोकेशन दिखाया हुआ है उसको अच्छी तरह से कैमरा मैन ने शोकेस किया हुआ है। फिल्म का आर्ट डायरेक्शन, कलर टोन, कलर ग्रेडिंग भी बढ़िया है। फिल्म की एडिटिंग अच्छी तरह से की गई, हालांकि फिल्म को 5-10 मिनट जितना और छोटा कर देते तो और बेहतर रहता, जो अननेसेसरी सीन्स थे वो निकल जाते। इसके अलावा जो मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की उसे थोड़ा बेटर वे में एग्जीक्यूट करते तो और अच्छा रहता। सिनेमेटोग्राफी फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी, उसी के साथ जो डांस कोरियोग्राफी थी वो काफ़ी शानदार थी। फिल्म के हर एक डांस स्टेप देखने को मिलते वो काफ़ी इम्प्रेसिव थे। फिल्म के डांस कोरियोग्राफी इतनी बढ़िया थी जिस वजह से वो सभी चीज़ें स्क्रीन में देखने में मजा आएगी। म्यूजिक डिपार्टमेंट में काफ़ी शानदार काम देखने को मिलता है, जहाँ पे सॉन्ग बैकग्राउंड स्कोर को काफ़ी बढ़िया तरीके से कंपोज किया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से अच्छी रिलीज दिलवाई हुई थी फिल्म की, जिसकी वजह से जब फिल्म को 24 जनवरी 2020 को रिलीज किया गया था, तब फिल्म ने पहले दिन पे काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया, जहाँ पे 9.5 करोड़ के आसपास का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया हुआ था हिंदी लैंग्वेज से इस फिल्म ने। वहीं पे सेकंड डे के ऊपर 12.5 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था। तीसरे दिन फिल्म ने 17 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था और वीकेंड का कलेक्शन करीबन 39 करोड़ के आसपास का पहुँच गया था। एक मिक्स वर्ड ऑफ माउथ के चलते फिल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था, जहाँ पे ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को मिक्स रिस्पॉन्स मिला था। वहीं पर क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को थोड़ा नेगेटिव साइड का रिस्पॉन्स मिला हुआ था, लेकिन फिर भी फिल्म ने 40 करोड़ के आसपास का ओपनिंग वीकेंड लिया हुआ था इंडिया से। और 28 फरवरी 2020 तक फिल्म ने 81 करोड़ 29 लाख का इंडिया से कलेक्शन करके दिखाया, 15 करोड़ 71 लाख का ओवरसीज से ग्रॉस कलेक्शन किया, और इसी के साथ वर्ल्ड वाइड जो ग्रॉस कलेक्शन था वो फिल्म का 97 करोड़ बना, जहां पे फिल्म का बजट करीबन जो था वो 70 करोड़ था। 70 करोड़ के बजट के सामने करीबन 100 करोड़ के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन करते हुए ये फिल्म एक एवरेज हिट का टैग ले गई थी बॉक्स ऑफिस पे, जहाँ पे IMDb पे फिल्म को करीबन 7700 वोट मिले हुए, जिसमें 3.6 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। तो इसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मिक्स रिस्पांस मिलने के बावजूद, मिक्स टू नेगेटिव रिस्पांस मिलने के बावजूद, वरुण धवन और साथ ही में श्रद्धा कपूर का जो फैन बेस है वो काफ़ी हाई लेवल पर क्रिएट हुआ है, जिसके चलते फिल्म ने 70 करोड़ के बजट के सामने 100 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। अब ये फिल्म कौन से OTT सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी उसके ऊपर डिटेलिंग दे देता हूँ। इस फिल्म के जो OTT राइट से वो खरीदे हुए Amazon प्राइम वीडियो ने काफी बड़ी रकम देके खरीदे हुए थे। वहीं पे फिल्म के जो सैटेलाइट राइट्स है वो खरीदे हुए सोनी नेटवर्क वालों ने, और इस फिल्म के म्यूजिक राइट्स है वो खरीदे हुए टी सीरीज वालों ने। तो ये फिल्म आपको OTT पे Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर स्ट्रीट डांसर 3D के नाम से विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। वहीं पे फिल्म का जो टेलीविजन वाला वर्जन है वो आपको टेलीविजन चैनल सोनी मैक्स और सोनी मैक्स HD के ऊपर स्ट्रीट डांसर 3D के नाम से बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा। फिल्म के गानों को बिल्कुल फ्री में आप टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इंजॉय कर पाओगे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि स्ट्रीट डांसर 3D फिल्म आपको OTT पे Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। वहीं पे इस फिल्म का सैटेलाइट प्रीमियर आपको सोनी मैक्स और सोनी मैक्स HD चैनल के ऊपर ही देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप टेलीविजन पे और OTT पे इस फिल्म को ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे। स्ट्रीट डांसर 3D जो 2020 की हिंदी लैंग्वेज डांस फिल्म है, जहाँ पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है रेमो डिसूजा ने। फिल्म के जो डायलॉग्स है वो फरहाद सामजी और जगदीप सिद्धू ने लिखे हुए हैं। स्टोरी आइडिया रेमो डिसूजा का ही था, उसके ऊपर जो स्क्रीन प्ले है वो तुषार हिरनंदानी और जगदीप सिद्धू ने लिखे हुए थे। इसके अलावा प्रोड्यूसर की बात करें तो भूषण कुमार, दिव्या खोसला कुमार, कृष्णा कुमार, लेजल डिसूजा ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। इस फिल्म को करीबन 70 करोड़ के बजट के साथ टी सीरीज रेमो डिसूजा एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था। इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है A Films के पास, यानी कि अनिल थड़ानी के पास। टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी विजय कुमार अरोरा ने की हुई है, एडिटिंग मनन अजय सागर ने की हुई है, जिन्होंने इस फिल्म को 146 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, जहां पे ये फिल्म आपको 2 घंटे के 26 मिनट के आसपास के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी, जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से US सर्टिफिकेट मिला हुआ है।
और इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सॉन्ग्स को कंपोज किया हुआ है सचिन जिगर, तनिष बागची, बादशाह, गुरु रंधावा, गुरिंदर सेगल और हर्ष उपाध्याय ने, जिन्होंने अलग अलग गानों को कंपोज किया हुआ है। इस फिल्म में आपको टोटल 12 गाने सुनने को मिलेंगे, जहाँ पे कुछ वर्जन से रिक्रिएट किए हुए, वहीं पे कुछ ओरिजिनल वर्जन से। इसके अलावा इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर के ऊपर बातचीत करें तो वो कंपोज किया हुआ है सचिन जिगर ने। वहीं पे इस फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज ने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स भी खरीदे हुए, जिन्होंने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स अपने पास ही रखे हुए। इसके अलावा इस फिल्म की लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, प्रभु देवा, राघव जुयाल, नोरा फतेही, पुनीत पाठक, सलमान यूसुफ खान, अपार शक्ति खुराना देखने को मिलेंगे, धर्मेश यलांडे, सुशांत पुजारी, सोनम बजवा, मुरली शर्मा, उपासना सिंह, जरीना वहाब, उमेर असंति खलील, मनोज पाहवा, पवन राव, वर्तिका जा, सुशांत खत्री, केशव केवी टूटर, प्रवीण भोसले, श्रेया रॉय, शशांक डोंगरा, द्विवेदिता शर्मा, भूषण प्रशांत शिंदे, भूपेंद्र सिंह, प्रवीण शिंदे, शीतल पेरी, विनय खंडेलवाल, चांदनी श्रीवास्तव, फ्रेंसिक रफली, कैरोलिना वाइल्ड, एड्रिनो गाल, जय हेकिंग, जेसू सोरिया, एंटोनलियन, राज कोहिल आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो ये सभी लोग फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट में है। तो इतने आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में काम किया हुआ है, जहाँ पे एक डांस फिल्म है, इस वजह से फिल्म की सपोर्टिंग और मेन लीड कास्ट भी काफ़ी लंबी है और सभी का रोल जरूर एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के थ्रू क्रिएट किया हुआ है। प्रोडक्शन के बारे में बातचीत करें तो फिल्म का जो पहला शेड्यूल है वो पंजाब में रखा गया था, जहाँ पे बजवा यानी कि सोनम बजवा, अपार शक्ति खुराना और वरुण धवन इन लोगों के बीच में वहीं का शेड्यूल शूट किया हुआ था। इसके अलावा फिल्म का सेकंड शेड्यूल को लंदन में सेट किया हुआ था, जहाँ पे श्रद्धा कपूर और पूरी टीम, नोहरा फतेही, सभी लोग वहाँ पे उस शेड्यूल में शामिल थे। एक्चुअली में इस फिल्म में जो श्रद्धा कपूर वाला किरदार है वो कैटरीना कैफ को ऑफर किया गया था। हालांकि श्रद्धा कपूर को जब उस किरदार में लिया गया तब स्टोरी में काफ़ी सारे चेंजेस किए गए थे उस किरदार के रिगार्डिंग, क्योंकि कैटरीना कैफ का जो ओरा है, जो पर्सनालिटी है, और श्रद्धा कपूर का जो ओरा और पर्सनालिटी है वो दोनों डिफरेंट है, तो उस हिसाब से सभी चेंजेस किए हुए थे। पहले कैटरीना कैफ को लेकर सभी चीज़ें फाइनलाइज हो चुकी थी, कैटरीना कैफ ही ओरिजिनल चॉइस थी इस फिल्म के लीड एक्ट्रेस के तौर पर, लेकिन कुछ रीजंस के चलते उन्होंने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। उसके बाद में श्रद्धा कपूर को ये रोल ऑफर किया गया, जहाँ पे उनके ये रोल के रिगार्डिंग काफ़ी सारे चेंजेस करते हुए फिल्म में डाला हुआ है इस किरदार को। अब हम बात करें फिल्म के फाइनल शेड्यूल की, तो फिल्म का फाइनल शेड्यूल मई 2019 में शूट किया गया था, जहाँ पे उस शेड्यूल के दौरान श्रद्धा कपूर की मसल इंजरी आई हुई थी, उस वजह से फिल्म की शूटिंग को थोड़े लेट रिज्यूम किया गया था और फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट किया हुआ है 26 जुलाई 2019 तक। मार्केटिंग रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म का जो फर्स्ट लुक पोस्टर है वो वरुण धवन वाला पोस्टर है, वो 27 मई को अनवील किया गया था, जहाँ पे फिल्म को फाइनली रिलीज किया गया था 24 जनवरी 2020 को। फिल्म के साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो अलग अलग म्यूजिक कंपोजर के थ्रू गानों को कंपोज करवाया हुआ है। इन गानों को 2018-19 में रिकॉर्ड किया गया था, जिसके ऑडियो राइट्स है वो टी सीरीज के पास है। इसके अलावा 13 फरवरी 2020 को ये सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है। जहाँ पे गानों की ट्रैक लिस्टिंग के बारे में बातचीत करें तो पहला गाना है मुकाबला, जिसके लिरिक्स लिखे हुए शब्बीर अहमद और तनिष बागची ने, म्यूजिक दिया हुआ है तनिष बागची ने, सिंगर थी यास नार्वेकर और परंपरा ठाकुर। दूसरा गाना गर्मी, जिसके लिरिक्स बादशाह ने लिखे हुए थे, म्यूजिक डायरेक्टर भी बादशाह ही थे, सिंगर बादशाह और नेहा कक्कर थी। इन लीगल वेपन वाला जो ट्विन लीगल वेपन 2.0 गाना है, उसके लिरिक्स लिखे हुए प्रिया सरैया ने, म्यूजिक दिया हुआ था तनिष बागची ने, सिंगर थे जासमीन सेंडली और गेरी संधू। चौथा गाना दुआ करो, जिसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए, म्यूजिक सचिन जिगर ने दिया हुआ था, अरिजीत सिंह बोहेमिया और सचिन जिगर ने उसको गाया हुआ है। पांचवा गाना लग दी लाहौर दी, जिसके लिरिक्स गुरु रंधावा ने लिखे हुए थे, म्यूजिक सचिन जिगर और गुरु रंधावा ने दिया हुआ था, गुरु रंधावा और तुलसी क्रोमा ने इस रिक्रिएट वाले वर्जन को गाया हुआ था। हिंदुस्तानी वाला जो गाना है, उसके लिरिक्स लिखे हुए समीर अनजान ने, म्यूजिक दिया हुआ हर्ष उपाध्याय ने, सिंगर थे शंकर महादेवन और उदित नारायण। वहीं पे सातवां गाना बेजुबान कब से, उसके लिरिक्स लिखे हुए जिगर सरैया ने, म्यूजिक दिया हुआ सचिन जिगर ने,
सिंगर थे सिद्धार्थ बसरूर, जुबिन नोटियाल और सचिन जिगर। आठवां गाना पिंड, जिसके लिरिक्स लिखे हुए कुणाल वर्मा ने, म्यूजिक दिया हुए गुरिंदर सेगल ने, वहीं पे गाया हुआ गुरिंदर सेगल ने ही। नौवां गाना नाची नाची, जिसके लिरिक्स मिलिन गाबा ने और असली गोल्ड ने लिखे हुए, म्यूजिक दिया हुआ है सचिन जिगर ने, गाया हुआ है नीति मोहन ध्वनि और भानु ध्वनि भानुशाली मिलिन गाबा। दसवां गाना गन देवा, जिसके से लिरिक्स लिखे हुए भार्गव पुरोहित ने, म्यूजिक दिया हुआ सचिन जिगर ने, गाया हुआ दिव्य कुमार और सचिन जिगर ने। ग्यारहवां गाना सिप सिप 2.0, जिसके लिरिक्स लिखे हुए गेरी संधू ने और कुमार ने, म्यूजिक दिया हुआ तनिष बागची ने, गाया हुआ है गेरी संधू और जस्मिन सेंडलास ने। और आखिरी गाना यानी कि मिले सुर, जिसके लिरिक्स लिखे हुए जिगर सरैया वायु और आईपी सिंह ने, म्यूजिक दिया हुआ है सचिन जिगर ने और गाया हुआ है नवराज हंस, साल मलिक खोलगाड़े, दिव्या कुमार, वायु, शाश्वत सिंह और आईपी सिंह, साथ ही में राकेश मेनी ने। तो ये टोटल 12 गाने जिसको अलग अलग म्यूजिक कंपोजर के थ्रू कंपोज करवाया हुआ है। और ये गाने हिंदी वर्जन में आपको टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे, जिसमें से काफी सारे गाने बड़े ब्लॉकबस्टर साबित हुए, जिसे आप जरूर इंजॉय कर पाओगे। अब मैं आपको इस फिल्म के आर्टिस्ट है उसमें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर डिटेलिंग दे देता हूँ। सहेज सिंह नरूला वाला जो रोल है वो वरुण धवन ने प्ले किया हुआ है, जो एक एस्पायरिंग डांसर है जो अपने ब्रदर के फुटस्टेप को फॉलो करता आ रहा हुआ है। श्रद्धा कपूर ने इनायत नाजी का रोल प्ले किया हुआ है, जो पाकिस्तान डांसर है जो अपनी फैमिली से जो डांस कर रही है वो छुपाती आ रही है। प्रभु देवा राम प्रसाद a.k.a. अन्ना के रोल में दिखाई देंगे, जो एक रेस्टोरेंट मैनेजर है जो एक सीक्रेट स्किल डांसर है। राघव जुयाल पौड़ी के रोल में दिखाई देंगे, नोरा फतेही ने नोरा सहेज की गर्लफ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है। पुनीत पाठक ने इंदर सिंह नरूला का रोल प्ले किया हुआ है। सलमान यूसुफ खान से नाजी के रोल में दिखाई देंगे। अपार शक्ति खुराना ने अमरिंदर सिंह का रोल प्ले किया हुआ है। धर्मेश येलांडे आपको डी के रोल में दिखाई देंगे, जो सहेज के क्लोज फ्रेंड है। वहीं पे सुशांत पुजारी ने सुशी का रोल प्ले किया हुआ है। सोनम बजवा ने पम्मी का रोल प्ले किया हुआ है। वर्तिका झा ने समायरा का रोल प्ले किया हुआ है। मुरली शर्मा ने यूके कोप माइकल डोनाल्ड का रोल प्ले किया हुआ है। उपासना सिंह जसलिन को चड्डा के रोल में दिखाई देंगे। जरीना वहाब ने रणजोत सिंह का रोल प्ले किया हुआ है। उमेरा अशांति खलील ने इस फिल्म में फरीज इनायत का रोल प्ले किया हुआ है। मनोज पहवा छबरा के रोल में दिखाई देंगे। वर्तिका झा ने समायरा का रोल प्ले किया हुआ है। पवन राव ने इस फिल्म में फात का रोल प्ले किया हुआ है। सुशांत खत्री ने छोटू का रोल प्ले किया हुआ है। इस तरह से काफी बड़ी कास्ट है जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट किरदार को प्ले किए हुए। अपने रोल में वो बखूबी काफी शानदार थे। सभी एक्टर ने जो डांस किया हुआ है वो काफी बढ़िया है, उनकी परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है, जो फिल्म को और बढ़िया बनाती है। इस फिल्म के डायरेक्टर रेमो डिसूजा ने फिल्म के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है, जहाँ पे कुछ चीजों को काफी बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है। साथ में फिल्म एक मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की हुई है वो भी बढ़िया है। हालांकि स्क्रीन प्ले थोड़ा फिल्म का वीक है, उसे थोड़ा बेटर वे में लिखा जा सकता था। फिल्म के डायलॉग और बेटर वे में लिखे जा सकते थे। स्टोरी आइडिया फिल्म का काफी बढ़िया था। प्रोडक्शन डिजाइन काफी अच्छी थी। फिल्म का काफी हाई बजट के साथ बनाया गया था, जिसके चलते इस फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू आपको आसानी से नजर आएगी, जिसका चलते फिल्म का जो अलग अलग लोकेशन दिखाया हुआ है उसको अच्छी तरह से कैमरा मैन ने शोकेस किया हुआ है। फिल्म का आर्ट डायरेक्शन कलर टोन कलर ग्रेडिंग भी बढ़िया है। फिल्म की एडिटिंग अच्छी तरह से की गई। हालांकि फिल्म को 5-10 मिनट जितना और छोटा कर देते तो और बेहतर रहता, जो अननेसेसरी सीन्स थे वो निकल जाते। इसके अलावा जो मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की उसे थोड़ा बेटर वे में एग्जीक्यूट करते तो और अच्छा रहता। सिनेमेटोग्राफी फिल्म की काफी बढ़िया थी, उसी के साथ जो डांस कोरियोग्राफी थी वो काफी शानदार थी। फिल्म के हर एक डांस स्टेप देखने को मिलते वो काफी इम्प्रेसिव थे। फिल्म के डांस कोरियोग्राफी इतनी बढ़िया थी जिस वजह से वो सभी चीजें स्क्रीन में देखने में मजा आएगी। म्यूजिक डिपार्टमेंट में काफी शानदार काम देखने को मिलता है, जहाँ पे सॉन्ग बैकग्राउंड स्कोर को काफी बढ़िया तरीके से कंपोज किया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटर ने काफी बढ़िया तरीके से अच्छी रिलीज दिलवाई हुई थी फिल्म की, जिसकी वजह से जब फिल्म को 24 जनवरी 2020 को रिलीज किया गया था तब फिल्म ने पहले दिन पे काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया, जहाँ पे 9.5 करोड़ के आसपास का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया हुआ था हिंदी लैंग्वेज से इस फिल्म ने। वहीं पे सेकंड डे के ऊपर 12.5 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था। तीसरे दिन फिल्म ने 17 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था और वीकेंड का कलेक्शन करीबन 39 करोड़ के आसपास का पहुँच गया था। एक मिक्स वर्ड ऑफ माउथ के चलते फिल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था, जहाँ पे ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को मिक्स रिस्पॉन्स मिला था। वहीं पे क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को थोड़ा नेगेटिव साइड का रिस्पॉन्स मिला हुआ था, लेकिन
फिर भी फिल्म ने 40 करोड़ के आसपास का ओपनिंग वीकेंड लिया हुआ था इंडिया से, और 28 फरवरी 2020 तक फिल्म ने 81 करोड़ 29 लाख का इंडिया से कलेक्शन करके दिखाया, 15 करोड़ 71 लाख का ओवरसीज से क्रॉस कलेक्शन किया, और इसी के साथ वर्ल्ड वाइड जो ग्रॉस कलेक्शन था वो फिल्म का 97 करोड़ बना, जहाँ पे फिल्म का बजट करीबन जो था वो 70 करोड़ था। 70 करोड़ के बजट के सामने करीबन 100 करोड़ के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन करते हुए ये फिल्म एक एवरेज हिट का टैग ले गई थी बॉक्स ऑफिस पे, जहाँ पे IMDb पे फिल्म को करीबन 7700 वोट मिले हुए, जिसमें 3.6 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। तो इसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मिक्स रिस्पॉन्स मिलने के बावजूद, मिक्स टू नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलने के बावजूद, वरुण धवन और साथ ही में श्रद्धा कपूर का जो फैन बेस है वो काफी हाई लेवल पे क्रिएट हुआ है, जिसके चलते फिल्म ने 70 करोड़ के बजट के सामने 100 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। अब ये फिल्म कौन से OTT सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी उसके ऊपर डिटेलिंग दे देता हूँ। इस फिल्म के जो OTT राइट्स है वो खरीदे हुए Amazon प्राइम वीडियो ने, काफी बड़ी रकम देके खरीदे हुए थे। वहीं पे फिल्म के जो सैटेलाइट राइट्स है वो खरीदे हुए सोनी नेटवर्क वालों ने, और इस फिल्म के म्यूजिक राइट्स है वो खरीदे हुए टी सीरीज वालों ने। तो ये फिल्म आपको OTT पे Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर स्ट्रीट डांसर 3D के नाम से विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। वहीं पे फिल्म का जो टेलीविजन वाला वर्जन है वो आपको टेलीविजन चैनल सोनी मैक्स और सोनी मैक्स HD के ऊपर स्ट्रीट डांसर 3D के नाम से बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा। फिल्म के गानों को बिल्कुल फ्री में आप टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इंजॉय कर पाओगे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि स्ट्रीट डांसर 3D फिल्म आपको OTT पे Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। वहीं पे इस फिल्म का सैटेलाइट प्रीमियर आपको सोनी मैक्स और सोनी मैक्स HD चैनल के ऊपर ही देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप टेलीविजन पे और OTT पे इस फिल्म को ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। स्ट्रीट डांसर 3D जो 2020 की हिंदी लैंग्वेज डांस फिल्म है, जहाँ पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है रेमो डिसोजा ने। फिल्म के जो डायलॉग्स है वो फरहाद सामजी और जगदीप सिद्धू ने लिखे हुए हैं। स्टोरी आइडिया रेमो डिसूजा का ही था, उसके ऊपर जो स्क्रीन प्ले है वो तुषार हिरनंदानी और जगदीप सिद्धू ने लिखे हुए थे। इसके अलावा प्रोड्यूसर की बात करें तो भूषण कुमार, दिव्या खोसला कुमार, कृष्ण कुमार, लेजल डिसूजा ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। इस फिल्म को करीबन 70 करोड़ के बजट के साथ टी सीरीज रेमो डिसूजा एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था। इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है ए फिल्म्स के पास, यानी कि अनिल थड़ानी के पास। टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी विजय कुमार अरोरा ने की हुई है, एडिटिंग मनन अजय सागर ने की हुई है, जिन्होंने इस फिल्म को 146 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, जहां पे ये फिल्म आपको 2 घंटे के 26 मिनट के आसपास के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी, जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से US सर्टिफिकेट मिला हुआ है। और इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सॉन्ग्स को कंपोज किया हुआ है सचिन जिगर, तनिष बागची, बादशाह, गुरु रंधावा, गुरिंदर सेगल और हर्ष उपाध्याय ने, जिन्होंने अलग अलग गानों को कंपोज किया हुआ है। इस फिल्म में आपको टोटल 12 गाने सुनने को मिलेंगे, जहाँ पे कुछ वर्जन से रिक्रिएट किए हुए, वहीं पे कुछ ओरिजिनल वर्जन से। इसके अलावा इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर के ऊपर बातचीत करें तो वो कंपोज किया हुआ है सचिन जिगर ने। वहीं पे इस फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज ने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स भी खरीदे हुए, जिन्होंने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स अपने पास ही रखे हुए। इसके अलावा इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, प्रभु देवा, राघव जुयाल, नोरा फतेह, पुनीत पाठक, सलमान यूसुफ खान, अपार शक्ति खुराना देखने को मिलेंगे, धर्मेश यलांडे, सुशांत पुजारी, सोनम बजवा, मुरली शर्मा, उपासना सिंह, जरीना वहाब, उमेर असंति खलील, मनोज पाहवा, पवन राव, वर्तिका जा, सुशांत खत्री, केशव केवी टूटर, प्रवीण भोसले, श्रेया रॉय, शशांक डोंगरा, द्विवेदिता शर्मा, भूषण, प्रशांत शिंदे, भूपेंद्र सिंह, प्रवीण शिंदे, शीतल पेरी, विनय खंडेलवाल, चांदनी श्रीवास्तव, फ्रेंसिक रफली, कैरोलिना वाइल्ड, एड्रिनो गाल, जय हेकिंग, जेसु सोरिया, एंटोनलिन, राज कोहिल आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो ये सभी लोग फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट में है। तो इतने आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में काम किया हुआ है, जहाँ पे एक डांस फिल्म है, इस वजह से फिल्म की सपोर्टिंग और मेन लीड कास्ट भी काफ़ी लंबी है, और सभी का रोल जरूर एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के थ्रू क्रिएट किया हुआ है। प्रोडक्शन के बारे में बातचीत करें तो फिल्म का जो पहला शेड्यूल है वो पंजाब में रखा गया था, जहाँ पे बजवा यानी कि सोनम बजवा, अपार शक्ति खुराना और
वरुण धवन, इन लोगों के बीच में वहीं का शेड्यूल शूट किया हुआ था। इसके अलावा फिल्म का सेकंड शेड्यूल को लंदन में सेट किया हुआ था, जहां पे श्रद्धा कपूर और पूरी टीम, नोहरा पते, सभी लोग वहां पे उस शेड्यूल में शामिल थे। एक्चुअली में इस फिल्म में जो श्रद्धा कपूर वाला किरदार है वो कैटरीना कैफ को ऑफर किया गया था। हालांकि श्रद्धा कपूर को जब उस किरदार में लिया गया तब स्टोरी में काफ़ी सारे चेंजेस किए गए थे उस किरदार के रिगार्डिंग, क्योंकि कैटरीना कैफ का जो ऑरा है, जो पर्सनालिटी है, और श्रद्धा कपूर का जो ऑरा और पर्सनालिटी है वो दोनों डिफरेंट है, तो उस हिसाब से सभी चेंजेस किए हुए थे। पहले कैटरीना कैफ को लेकर सभी चीज़ें फाइनलाइज हो चुकी थी, कैटरीना कैफ ही ओरिजिनल चॉइस थी इस फिल्म के लीड एक्ट्रेस के तौर पर, लेकिन कुछ रीजंस के चलते उन्होंने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। उसके बाद में श्रद्धा कपूर को ये रोल ऑफर किया गया, जहाँ पे उनके ये रोल के रिगार्डिंग काफ़ी सारे चेंजेस करते हुए फिल्म में डाला हुआ इस किरदार को। अब हम बात करें फिल्म के फाइनल शेड्यूल की, तो फिल्म का फाइनल शेड्यूल मई 2019 में शूट किया गया था, जहाँ पे उस शेड्यूल के दौरान श्रद्धा कपूर की मसल इंजरी आई हुई थी, उस वजह से फिल्म की शूटिंग को थोड़े लेट रिज्यूम किया गया था, और फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट किया हुआ है 26 जुलाई 2019 तक। मार्केटिंग रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म का जो फर्स्ट लुक पोस्टर है वो वरुण धवन वाला के पोस्टर है, वो 27 मई को अनवील किया गया था, जहाँ पे फिल्म को फाइनली रिलीज किया गया था 24 जनवरी 2020 को। फिल्म के साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो अलग अलग म्यूजिक कंपोजर के थ्रू गानों को कंपोज करवाया हुआ है। इन गानों को 2018-19 में रिकॉर्ड किया गया था, जिसके ऑडियो राइट्स है वो टी सीरीज के पास है। इसके अलावा 13 फरवरी 2020 को ये सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है। जहाँ पे गानों की ट्रैक लिस्टिंग के बारे में बातचीत करें तो पहला गाना है मुकाबला, जिसके लिरिक्स लिखे हुए शब्बीर अहमद और तनिष बागची ने, म्यूजिक दिया हुआ है तनिष बागची ने, सिंगर थी यास नार्वेकर और परंपरा ठाकुर। दूसरा गाना गर्मी, जिसके लिरिक्स बादशाह ने लिखे हुए थे, म्यूजिक डायरेक्टर भी बादशाह ही थे, सिंगर बादशाह और नेहा कक्कर थी। इन लीगल वेपन वाला जो ट्विन लीगल वेपन 2.0 गाना है, उसके लिरिक्स लिखे हुए प्रिया सरैया ने, म्यूजिक दिया हुआ था तनिष बागची ने, सिंगर थे जासमीन सेंडली और गेरी संधू। चौथा गाना दुआ करो, जिसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए, म्यूजिक सचिन जिगर ने दिया हुआ था, अरिजीत सिंह बोहेमिया और सचिन जिगर ने उसको गाया हुआ है। पांचवा गाना लग दी लाहौर दी, जिसके लिरिक्स गुरु रंधावा ने लिखे हुए थे, म्यूजिक सचिन जिगर और गुरु रंधावा ने दिया हुआ था, गुरु रंधावा और तुलसी क्रोमा ने इस रिक्रिएट वाले वर्जन को गाया हुआ था। हिंदुस्तानी वाला जो गाना है, उसके लिरिक्स लिखे हुए समीर अनजान ने, म्यूजिक दिया हुआ हर्ष उपाध्याय ने, सिंगर थे शंकर महादेवन और उदित नारायण। वहीं पे सातवां गाना बेजुबान कब से, उसके लिरिक्स लिखे हुए जिगर सरैया ने, म्यूजिक दिया हुआ सचिन जिगर ने, सिंगर थे सिद्धार्थ बसरूर, जुबिन नोटियाल और सचिन जिगर। आठवां गाना पिंड, जिसके लिरिक्स लिखे हुए कुणाल वर्मा ने, म्यूजिक दिया हुआ गुरिंदर सेगल ने, वहीं पे गाया हुआ गुरिंदर सेगल ने ही। नौवां गाना नाची नाची, जिसके लिरिक्स मिलिन गाबा ने और असली गोल्ड ने लिखे हुए, म्यूजिक दिया हुआ सचिन जिगर ने, गाया हुआ है नीति मोहन ध्वनि और भानुशाली मिलिन गाबा। दसवां गाना गन देवा, जिसके से लिरिक्स लिखे हुए भार्गव पुरोहित ने, म्यूजिक दिया हुआ सचिन जिगर ने, गाया हुआ दिव्य कुमार और सचिन जिगर ने। ग्यारहवा गाना सिप सिप 2.0, जिसके लिरिक्स लिखे हुए गेरी संधू ने और कुमार ने, म्यूजिक दिया हुआ तनिष बागची ने, गाया हुआ है गेरी संधू और जस्मीन सेंडलास ने। और आखिरी गाना यानी कि मिले सुर, जिसके लिरिक्स लिखे हुए जिगर सरैया, वायु और आईपी सिंह ने, म्यूजिक दिया हुआ है सचिन जिगर ने और गाया हुआ है नवराज हंस, साल मलिक खोलगाड़े, दिव्या कुमार, वायु, शाश्वत सिंह और आईपी सिंह, साथ ही में राकेश मेनी ने। तो ये टोटल 12 गाने जिसको अलग अलग म्यूजिक कंपोजर के थ्रू कंपोज करवाया हुआ है, और ये गाने हिंदी वर्जन में आपको टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे, जिसमें से काफ़ी सारे गाने बड़े ब्लॉकबस्टर साबित हुए, जिसे आप ज़रूर इंजॉय कर पाओगे। अब मैं आपको इस फिल्म के आर्टिस्ट है उसमें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर डिटेलिंग दे देता हूँ। सहेज सिंह नरूला वाला जो रोल है वो वरुण धवन ने प्ले किया हुआ है, जो एक एस्पायरिंग डांसर है जो अपने ब्रदर के फुटस्टेप को फॉलो करता आ रहा हुआ है। श्रद्धा कपूर ने इनायत नाजी का रोल प्ले किया हुआ है, जो पाकिस्तान डांसर है जो अपनी फैमिली से जो डांस कर रही है वो छुपाती आ रही है। प्रभु देवा राम प्रसाद a.k.a. अन्ना के रोल में दिखाई देंगे, जो एक रेस्टोरेंट मैनेजर है जो एक सीक्रेट स्किल्ड डांसर है। राघव जुयाल
बॉडी के रोल में दिखाई देंगे। नोरा फतेही ने नोरा सहेज की गर्लफ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है। पुनीत पाठक ने इंदर सिंह नरूला का रोल प्ले किया हुआ है। सलमान यूसुफ खान से नाजी के रोल में दिखाई देंगे। अपार शक्ति खुराना ने अमरिंदर सिंह का रोल प्ले किया हुआ है। धर्मेश लांडे आपको डी के रोल में दिखाई देंगे जो सहेज के क्लोज फ्रेंड है। वहीं पे सुशांत पुजारी ने सुशी का रोल प्ले किया हुआ है। सोनम बाजवा ने पम्मी का रोल प्ले किया हुआ है। वर्तिका झा ने समायरा का रोल प्ले किया हुआ है। मुरली शर्मा ने यूके कोप माइकल डोनाल्ड का रोल प्ले किया हुआ है। उपासना सिंह जसलिन को चड्ढा के रोल में दिखाई देंगे। जरीना वहाब ने रणजोत सिंह का रोल प्ले किया हुआ है। उमेरा अशांति खलील ने इस फिल्म में फरीज इनायत का रोल प्ले किया हुआ है। मनोज पहवा छबरा के रोल में दिखाई देंगे। वर्तिका झा ने समायरा का रोल प्ले किया हुआ है। पवन राव ने इस फिल्म में फात का रोल प्ले किया हुआ है। सुशांत खत्री ने छोटू का रोल प्ले किया हुआ है। इस तरह से काफी बड़ी कास्ट है जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट किरदार को प्ले किए हुए। अपने रोल में वो बखूबी काफी शानदार से सभी एक्टर ने जो डांस किया हुआ है वो काफी बढ़िया है। उनकी परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है जो फिल्म को और बढ़िया बनाती है। इस फिल्म के डायरेक्टर रेमो डिसूजा ने फिल्म के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है, जहाँ पे कुछ चीजों को काफी बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है। साथ में फिल्म एक मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की हुई है, वो भी बढ़िया है। हालांकि स्क्रीन प्ले थोड़ा फिल्म का वीक है, उसे थोड़ा बेटर वे में लिखा जा सकता था। फिल्म के डायलॉग और बेटर वे में लिखे जा सकते थे। स्टोरी आइडिया फिल्म का काफी बढ़िया था। प्रोडक्शन डिजाइन काफी अच्छी थी। फिल्म का काफी हाई बजट के साथ बनाया गया था, जिसके चलते इस फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू आपको आसानी से नजर आएगी। जिसका चलते फिल्म का जो अलग अलग लोकेशन दिखाया हुआ है उसको अच्छी तरह से कैमरा मैन ने शोकेस किया हुआ है। फिल्म का आर्ट डायरेक्शन कलर टोन कलर ग्रेडिंग भी बढ़िया है। फिल्म की एडिटिंग अच्छी तरह से की गई। हालांकि फिल्म को 5-10 मिनट जितना और छोटा कर देते तो और बेहतर रहता, जो अननेसेसरी सीन्स थे वो निकल जाते। इसके अलावा जो मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की उसे थोड़ा बेटर वे में एग्जीक्यूट करते तो और अच्छा रहता। सिनेमेटोग्राफी फिल्म की काफी बढ़िया थी। उसी के साथ जो डांस कोरियोग्राफी थी वो काफी शानदार थी। फिल्म के हर एक डांस स्टेप देखने को मिलते वो काफी इम्प्रेसिव थे। फिल्म के डांस कोरियोग्राफी इतनी बढ़िया थी जिस वजह से वो सभी चीजें स्क्रीन में देखने में मजा आएगी। म्यूजिक डिपार्टमेंट में काफी शानदार काम देखने को मिलता है, जहाँ पे सॉन्ग बैकग्राउंड स्कोर को काफी बढ़िया तरीके से कंपोज किया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटर ने काफी बढ़िया तरीके से अच्छी रिलीज दिलवाई हुई थी फिल्म की, जिसकी वजह से जब फिल्म को 24 जनवरी 2020 को रिलीज किया गया था तब फिल्म ने पहले दिन पे काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया, जहाँ पे 9.5 करोड़ के आसपास का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया हुआ था हिंदी लैंग्वेज से इस फिल्म ने। वहीं पे सेकंड डे के ऊपर 12.5 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था। तीसरे दिन फिल्म ने 17 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था और वीकेंड का कलेक्शन करीबन 39 करोड़ के आसपास का पहुँच गया था। एक मिक्स वर्ड ऑफ माउथ के चलते फिल्म ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था, जहाँ पे ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को मिक्स रिस्पॉन्स मिला था। वहीं पे क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को थोड़ा नेगेटिव साइड का रिस्पॉन्स मिला हुआ था, लेकिन फिर भी फिल्म ने 40 करोड़ के आसपास का ओपनिंग वीकेंड लिया हुआ था इंडिया से। और 28 फरवरी 2020 तक फिल्म ने 81 करोड़ 29 लाख का इंडिया से कलेक्शन करके दिखाया, 15 करोड़ 71 लाख का ओवरसीज से ग्रॉस कलेक्शन किया। और इसी के साथ वर्ल्ड वाइड जो ग्रॉस कलेक्शन था वो फिल्म का 97 करोड़ बना, जहां पे फिल्म का बजट करीबन जो था वो 70 करोड़ था। 70 करोड़ के बजट के सामने करीबन 100 करोड़ के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन करते हुए ये फिल्म एक एवरेज हिट का टैग ले गई थी बॉक्स ऑफिस पे, जहाँ पे IMDb पे फिल्म को करीबन 7700 वोट मिले हुए, जिसमें 3.6 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। तो इसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मिक्स रिस्पांस मिलने के बावजूद, मिक्स टू नेगेटिव रिस्पांस मिलने के बावजूद, वरुण धवन और साथ ही में श्रद्धा कपूर का जो फैन बेस है वो काफी हाई लेवल पे क्रिएट हुआ है, जिसके चलते फिल्म ने 70 करोड़ के बजट के सामने 100 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। अब ये फिल्म कौन से OTT सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी उसके ऊपर डिटेलिंग दे देता हूँ। इस फिल्म के जो OTT राइट से वो खरीदे हुए Amazon Prime Video ने काफी बड़ी रकम देके खरीदे हुए थे। वहीं पे फिल्म के जो सैटेलाइट राइट्स है वो खरीदे हुए सोनी नेटवर्क वालों ने, और इस फिल्म के म्यूजिक राइट्स है वो खरीदे हुए टी सीरीज वालों ने। तो ये फिल्म आपको OTT पे Amazon Prime Video के ऊपर स्ट्रीट डांसर 3D के नाम से विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। वहीं पे फिल्म का जो टेलीविजन वाला वर्जन है वो आपको टेलीविजन चैनल सोनी मैक्स और सोनी मैक्स HD के ऊपर स्ट्रीट डांसर 3D के नाम से बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा। फिल्म के गानों को बिल्कुल फ्री में आप टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इंजॉय कर पाओगे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि स्ट्रीट डांसर 3D फिल्म आपको OTT पे Amazon Prime Video के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। वहीं पे इस फिल्म का सैटेलाइट प्रीमियर आपको सोनी मैक्स और सोनी मैक्स HD चैनल के ऊपर ही देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप टेलीविजन पे और OTT पे इस फिल्म को ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। तो बस गाइस, इस फिल्म के रिगार्डिंग जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे, जो बातें थी, वो मैंने शेयर कर दी है। ये फिल्म कहाँ पे कैसे फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी उसकी जानकारी दे दी है। फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी हुई है। फिल्म
के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए हुए, फिल्म की स्टोरी एनालिसिस एक्सप्लेनेशन की हुई है, फिल्म का एक डीप रिव्यू किया हुआ है जिसमें मैंने आपको इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट का रिव्यू करके दिया हुआ है, स्टार का सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसेज के बारे में भी बातचीत की हुई है। फिल्म में जो डांस परफॉर्मेंसेज देखने को मिलती है उसकी भी मैंने आपको डीप में डिटेलिंग के साथ रिव्यू करके दी हुई है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।